हाँ शुरू करें। शुरू। नमस्कार साथी बंधु, आज का जो वेबिनार, इसमें सबको हम लोग वेलकम कर रहे हैं। हम सभी को मालूम है कि आज एक पर्यावरण के लिए एक विशेष दिन है। आज विश्व परिवेश दिवस, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे। इस दिन हर साल 1972 से इस साल को अलग से इस दिन को मनाया जाता है, और पर्यावरण का जो मुद्दा है उस मुद्दे को उठाने की और पर्यावरण के साथ मानव अधिकार और जीवन के साथ जो प्रकृति में हर पशु पक्षी छोटे से छोटे माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके बड़े पशु जंतु सब इस मादार अर्थ में, इस पृथ्वी में हम लोग अच्छे रहे, ठीक रहे, सुस्त रहे, यही कामना से ही ये बात को उठाते जा रहा चला जा रहा है कुछ सालों से। लेकिन इस दौरान ये जो कोरोना काल हम पूरा विश्व में चल रहा है, इसमें इस बार दूसरा 5 जून हम लोग मना रहा है। ये सेलिब्रेट करने का समय है क्या? इसको फिर से इतने दिन कैसे हमारी मानवता का विकास हुआ है? आज नई तरीके से सोचने की समय है। आज जब हम लोग वेबिनार कर रहे, कुछ दिन पहले पर्यावरण की विशिष्ट प्रमुख आंदोलनकारी सुंदरलाल बहुगुणा जी चल बसे। उनका एक बात था कि इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी। आज शायद उसको याद करने का बहुत ही जरूरी है। इकोलॉजी छोड़ के ये इकोनॉमी, ये मानवता नहीं रहेगा। तो उनको शरण करते हुए और बंगाल में विजय सरकार जी जो सुंदरवन का मानव अधिकार का बात उठाना उठाते चाहते थे, हम सभी को मार्गदर्शन करते थे, वो भी हम लोगों को छोड़ के इस कोरोना काल में चले गए। उनको श्रद्धा जना के आज उनको श्रद्धांजलि ज्ञापन करते हुए आज हम लोग हमारी वेबिनार शुरू करेंगे। हम लोग अलग अलग विषय में इस इकोलॉजी और प्रकृति और मानवता की क्या संपर्क है, इस वेबिनार के चलते समझने की कोशिश करेंगे। और कल हम लोग क्या करेंगे और इसको बचाने की क्या कोशिश हो सकता है हमारी तरफ से, वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। हमें मालूम है आज का जो वेबिनार, सोशलिस्ट पार्टी इंडिया जो फ्रीडम फाइटिंग के समय से एक पॉलिटिकल पार्टी होते हुए, इस उनका पॉलिटिकल मूवमेंट जो है वो करते हुए आज का ये वेबिनार का जो सहायक है, जो सोशल पॉलिटिकल जो मुद्दा है उसे चलते हुए, उसके साथ सोशलिस्ट पार्टी हर बार पर्यावरण का जो मुद्दा है वो भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और नदी बचाओ जीवन बचाओ आंदोलन एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होते भी एक मूवमेंट के तरफ से भी कोशिश कर रहे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी हो या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके साथ जुड़ के ये पर्यावरण का मुद्दा आज राजनीति का मूल मुद्दा हो उठे, ये बात उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस दुष्ट दुष्ट ये दो संस्था, दो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज का ये विश्व परिवेश दिवस 2021 का मनाया जा रहा है। ये आज इस समय तो हम लोग दूसरे तरीके से मीटिंग नहीं कर पाए, एक से एक सामने होके अगर बात करते तो सबसे अच्छा होता, लेकिन हो तो कर नहीं पा रहे, तो वेबिनार से ही हम लोग ये बात करने की कोशिश करेंगे। हम लोग सभी को मालूम है आज जो साथी यहाँ सुन रहे और फेसबुक दूसरे जगह पे भी जो लोग साथी हम लोगों को सुन रहे, कि ये इस साल घोषणा किया गया यूनाइटेड नेशन से कि ये इकोसिस्टम का रेस्टोरेशन आज का डेके पूरा एक दशक तक इसको मनाया जाएगा। इकोसिस्टम का रेस्टोरेशन क्यों बात करने की जरूरत है,
इसका मतलब ये बात हम लोग आज एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारी इकोसिस्टम जो खतरे पे है, इसको कैसे हम लोग रिस्टोर करेंगे। यूनाइटेड नेशन ने इस बार रखा है कि रीइमेजिन, रिक्रिएट, रिस्टोर, नई तरीके से हम लोगों को सोचना पड़ेगा और इसको रिस्टोरेशन के काम को आगे लेके जाना है, अगर मानवता, अगर विश्व को बचाना है, अगर इकोसिस्टम को रिस्टोर करना है। तो इसमें ही हम लोग चर्चा करेंगे। मैं एकदम शुरू में ही हम लोग बुलाना चाहेंगे डॉक्टर तुषार चक्रवर्ती, जो जाने माने साइंटिस्ट है, फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, प्रिंसिपल साइंटिस्ट रह चुके CSIR की, जो GM मॉडिफाइड जो बीज है उसके ऊपर उनका रिसर्च, उनका सोच जो है हम लोग सीखते रहते हैं हर बार उनसे। तो मैं तुषार, डॉक्टर तुषार चक्रवर्ती सर, आपको आह्वान करना चाहूँगा इस जो वेबिनार शुरू है उसके एकदम सामने, और ये आज का दिन का पर्सपेक्टिव क्या है, आज का दिन कैसे हम लोग देखेंगे, और ये जो एक दशक के बारे में कहा जा रहा है कि एक दशक तक ये रिस्टोर का सोच रखा गया है, इसको आप एक साइंटिस्ट होते हैं, और एक आप सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं, मानविक है, और हर बार आपसे हम लोग सीखते भी रहे हैं, हमारी टीचर है। तो सर आपको हम लोग जानना चाहेंगे, तो ये कैसे हम लोग आगामी जो एक दशक हमारे लिए जो सोचा गया है यूनाइटेड नेशन, क्यों ऐसे सोचा गया, और इसका आगे कैसे हम लोग इसको जाएंगे, तो उसके बारे में आप थोड़ा रखिए। एक चीज सब वक्ताओं के लिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारी समय 1.5 घंटा है, तो समय को सोच में रखते हुए आप लोग आपका जो सोच है, मार्गदर्शन है, हमारे सामने रखिए। तो ओवर टू तुषार चक्रवर्ती सर, प्लीज। थैंक यू तापस एंड एवरीबॉडी प्रेजेंट हियर नाउ। Tapas already explained this World Environment Day and its theme. Every year, the World Environment Day, which is coordinated by United Nations, UNEP. And they choose a theme and a theme country. So this year, ecosystem restoration is the theme, and the host country is Pakistan. So which is a kind of pleasure for us. Obviously, there are some elements in our country, unfortunately, that don't tolerate and want to give any credit to Pakistan. But this year, Pakistan has been chosen as a host country for a legitimate reason. Pakistan started a 10 billion tree tsunami program, and not just as a matter of slogan or a hoax, they prepared for it, that how to make those seedlings, and where to plant, and how to plant, and what are the area. So basically, they are starting a massive, large-scale ecosystem restoration project already. So they've chosen the coastal region and the mountain region. So there are three large mountain range in Pakistan, so which is a great initiative, and the first such large-scale initiative in Southeast Asia, entire Southeast Asia. So we should learn from it. So that's the first thing, the ecosystem restoration, why you have chosen this. So before that, we know that Millennium Ecosystem Assessment, so that was a decade-long program that scientifically have shown that how much ecosystem service, what is in economic terms, that how we benefit from it. Just like Sundarlal Bahugana's motto that Tapas mentioned. So ecosystem is not just
as an environmentalist, their ethos or for our pleasure we are doing. It is for our survival, and it has got a great economic value. So a millennium ecosystem assessment showed that what is the massive value and our massive dependence of our economy, our survival on the ecosystem. And by this time we know that 2/3 of the entire ecosystem in this planet, they are already damaged, degraded. So that is the worst part of it. So we talk about climate change, we talk about biodiversity loss, but we do not talk the root cause, that how it is happening is basically due to ecosystem, degraded ecosystem, and loss of ecosystem, destruction of ecosystem. So we need to prevent this ecosystem damage, halt and reverse ecosystem degradation. That is why we need this ecosystem restoration. 1/3 of ecosystem, which is now surviving despite all our onslaughts and threats. So even that 1/3 is threatened every day. But even if we maintain that 1/3 of the ecosystem, that cannot ensure survival of the biosphere or survival of this entire ecosystem, mankind, or the biodiversity, so everybody living in it. So basically that 1/3 ecosystem is not enough, so we need to increase them. So there are different type of ecosystem within it, and there are ecosystem of different scale, like the Nadi Bachao, Jivan Bachao committee. River is a kind of ecosystem. Desert is a kind of ecosystem. Different type of forest, mangrove forest, tropical rainforest, temperate forest, boreal forest. So they are different type of ecosystem. The coastal region is one kind of ecosystem. Inland have another kind of ecosystem. Coral reef is another kind of ecosystem. So entire planet. So and when we are one of the theme that World Environment Day reminds us that our thinking should be one world, not just a nationalist viewpoint, not just the political or the partisan view. So this is a planetary view. We should think about the mankind and all life forms and their physical environment in this. So it started with human environment, but it expanded its area. So we need to prevent, halt, and reverse ecosystem degradation, because otherwise even this present lifestyle and our survival cannot be ensured in future. So that is plain and simple. So, and it will not be done within a year. So 10-year time is a minimal required to start this. So we will jump start this ecosystem restoration this year, but we'll continue it with full steam for 10 years. Then only we can rescue this planet as a habitable planet. So that is the important thing. So reimagine, recreate, restore, 3R is the motto of this this policy. So an ecosystem supports all life, all forms of life in this earth, not only human being, and determines our health of this planet and our health. Even this COVID pandemic we are going through can be seen as a kind of a result of an ecosystem destruction. That was how otherwise it would have been a small outbreak, but it became a global pandemic because of this situation, this man-made situation. That's also a kind of that kind of a disaster as the result of ecosystem destruction. One thing I will another mention, that this COVID situation, we have lost many of the eco warriors, which is a great loss. Listen, that
that Bahugunaar Vijay Sarkar, very young eco-warrior and activist, many of them we have lost. So that is a negative part of it. Positive part of it is, even in the worst situation, there are certain positive element. So even in the COVID situation, when the physical distancing become unnecessary, what happened, the people, they cannot live alone. So they went closer to, most people went closer to nature. So feeling of the nature and natural environment, that increases. So that is an opportune time that we can use it, this feeling of the people, to, if we want to go into ecosystem restoration, we have to, so it is not only the task that we can do, a few eco-warriors or us, but all the government or the lawmakers can do it. But we had to carry everybody with it. And so this COVID situation, increasing the feeling for the natural environment in people, sometimes balcony garden, terrace garden, and other kind of thing, and watching the nature also makes you change your lifestyle and other things. So this is an opportunity. So the other thing I will mention, that what is ecosystem? So we have to understand. So in nutshell, ecosystem is basically, so we all the time say it is a biotic and abiotic element. That means a living community of plant, animals, and microorganisms, and some their physical environment. So that is the standard textbook definition. But that's not all. Basically, which is not spelled most of the time, is it is a unit of natural environment. It is the smallest unit. Just like human being, we have cell is the basic living unit. So ecosystems are the unit of natural environment, and they are linked together to make this biosphere. So they are, that is why they are very important. Just like some of the cells, like our heart cell or our neuronal cell in our brain, they are never regenerated after birth. So if they die, so there is a permanent damage. So ecosystem loss is also a permanent damage to this planetary life form. So this is, that is the ecosystems, small or large. There are some small ecosystem, even a pond can be an ecosystem, and a tundra, a entire desert, a coral reef, a big coastal region, mangrove forest like Sundarban, they are also ecosystem. Large and small, they are a different scale, but they are interconnected, and they together make this planet a living planet. So the unit of natural environment, that we had to remember. The other thing, they are not just two part, a living part and a physical environment. The important thing is their interaction. How they interact? They interact in numerous ways. That is a very complex way. But we are not going into entire thing. But two things are very important in them. One is energy flow, and another is nutrient cycle. So that holds, that is very of primal importance for the ecosystem. So a living ecosystem means energy flow through it. They take energy, sunlight, and other sources from the environment surrounding, and they pass on energy, and it flows through it. So that constant flow makes a ecosystem living. A degraded, a dead ecosystem means energy flow will stop there. Other is nutrient cycle. Not only some plants, animals, microorganisms are there, so there are, some are producer of energy, some are consumer, and some are degraded. And they all cycle those nutrients among them. So that nutrient cycle, nothing is lost. That was why it is sustainable and it survives as a unit. Because the nutrients, they always move from one to another. And that nutrient cycle is another thing which keeps ecosystem living. So energy flow, nutrient cycle are very important, basic ecosystem. But now we'll say that ecosystem are pivotal for our food security, ultimately, and poverty alleviation,
that most of the poor people in our the ecosystem ecoservice and ecosystem assessment showed clearly that the poor and the marginal people everywhere in this earth, they depend directly on the service of this ecosystem, whether it is a coastal region, a wetland, or the forest, or the mountain, or the grassland. So they are their natural capital. They are their livelihood. So poor people directly depend on them. If they are degraded, that means a kind of a genocide. So poor people, they vanish. So that is a kind of a very important thing, that degradation means indirect genocide. And not only the poor people, our strong economy and everything ultimately depends indirectly on the ecosystem. So everybody dependent on it, but we are indirectly and they are directly affected. So that is the thing. And the health of this planet and health of us, that is a COVID I mentioned, not only COVID, all the kind of the disease and other things. So they, the health is intimately related with the intact or this the status of the ecosystem. So that is the other thing I would like to mention. In 1998, Ed Wilson, a naturalist, he first mentioned a forward-looking global society should put the challenge of ecosystem restoration. He spelled it, it was brought into the agenda by Ed Wilson, that ecosystem restoration, otherwise people were neglecting, were doing too many things part by part, but not addressing this issue. So he pinpointed and wrote three books basically emphasizing this point. And other, well, Paul Krugman with the Anthropocene Age, that all this ecosystem collapse which is happening in the world is due to human being. So we are a geological catastrophe we are bringing to the geosphere, biosphere project. The Nobel laureate Paul Krugman brought the Anthropocene, that concept into forefront. So these two things are very important for it. So natural ecosystem, so beside natural ecosystem, now we are forgetting destroying natural ecosystem, we are replacing it with artificial ecosystem and the engineered ecosystem. But artificial and the engineered ecosystem, whatever it is, they don't fulfill the criteria of the natural ecosystem. They are no substitute, although they may look beautiful and they may generate a lot of resources for the big corporations and other things, but they are no substitute for the thing. And what happens with the artificial ecosystem now, we try to natural ecosystem, we try to recreate it, make it artificial. So okay, artificial, sir. Right, yes. So that is one danger. So restoration, I will just end by mentioning three things. That what is the largest ecosystem restoration project going on in the world? Do you know? So that is, you will be surprised, that is happening in Brazil, in the east coast of the Atlantic coast of the Brazil. They are restoring a huge area, coastal region, from Brazil to Argentina. And they are restoring, so they were, that was almost devoid of plants. But before European came, that part was a forest. And they started afforestation, a big afforestation, not only forest afforestation with few trees, but choosing the trees which were present there before Europeans arrived. So the huge 150 million hectare ecosystem, largest ecosystem restoration is now going on in the Brazil. We talk about the negative things, that the deforestation is also maximum in Brazil, Amazon and the other. We talk about it, but we should also talk about the restoration project, which is also largest restoration project now, right now going in Brazil. And in there are
other things in Peru and South Africa, what is going on, that is called ecosystem rehabilitation and ecosystem relocation they are doing. That is a corporate plan, and that is no substitute, but due to paucity of time, I will not elaborate on them. So that is in the nutshell, not just. So I will end this part, you will deliberate on the other, but just by saying that we are in, particularly in Bengal, the environmental project means there are two token projects. One is removal campaign against plastic, another plant tree. But ecosystem restoration says that planting tree is not enough. Don't not only plant tree, plant a forest and plant a natural forest. So that is the task. Otherwise, we won't survive in the long run. So that is the thing. So I will end here. Thank you, sir. Thank you very much. Ekdam ecosystem aur uska perspective. Sabse important baat mujhe laga ki aap jise rakhe ki ecosystem agar destroy hota hai, sabse jyada affected hota hai poor people, jo प्रकृति के साथ जुड़े हैं, जिनका आजीविका जुड़े हैं. ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और उनका जो अधिकार है, मानव अधिकार है, उसको कैसे हम लोग रिस्टोर करेंगे. तब जब तक उनको भी रिस्टोर नहीं कर पाएंगे, शायद हम लोग इकोसिस्टम को भी रिस्टोर नहीं कर पाएंगे. एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट सर अब उठाए हैं, हम लोग इसमें और भी चर्चा करेंगे. अभी मैं आज अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे लोग पूरा देश से इस सेमिनार में ज्वाइन किए हैं. ये एक हम लोगों के लिए एक अच्छा बात है. अहमदाबाद से, पुणे से, हर जगह से, पूरा देश भर से लोग आज ज्वाइन किए हैं, हम लोग सुनेंगे. अभी मैं अनुरोध करूंगा बहुत ही सीनियर एक्टिविस्ट जो कम्युनिटी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े हैं और सोशलिस्ट पार्टी से भी जुड़े, जैसे गुरुमूर्ति बेंगलुरु से है. गुरुमूर्ति जी, आप जो हेल्थ इशू, यस, आप हेल्थ इशू से वर्किंग कर रहे हैं, और ये चर्चा आज बार बार. गुरुमूर्ति जी हिंदी नहीं समझ पाते, आप उनसे, आप उनको अंग्रेजी में बताइए क्या बोल रहे हैं. यू आर वेलकम सर, मिस्टर गुरुमूर्ति जी. वी आर टॉकिंग अबाउट the health issue. You are working with health issue, so I like to introduce you to talk on health issue. You know, COVID situation is worst situation all of India and also in all of world. So what your observation and on today's perspective, please you point out in this meeting, please. Yes, Mr. thank Guru, you thanks with the person. Good evening, everybody, and thank you for giving this opportunity. Actually, so I thought I will take few minutes to talk about the connection between the COVID and the climate crisis or the environmental issues. Actually, so that so we are in the pandemic times. COVID is still around us, and this time I think the wave two has affected many of the families than the last year. Actually, so that all of us are going through personal and the the losses many places. Actually, it's a hope everybody is staying safe, this group. Actually, stay healthy. So both COVID and climate crisis, and they are the biggest pandemic of the century, we all know that. Actually, unfortunately, the current generation of people, we are all facing both of them currently. So one may appear to be bigger than that and other one, but it's both are equally important. Both are, I mean, we don't even know the connection between the climate crisis and the pandemic situation. So maybe over the time we will come to know. That's a very unfortunate situation we are in today. Initially, when the COVID came, when the 2019 end and to early 2020, with the lockdowns and the economy slowing down all over the world, actually, we first time we heard about the lockdowns happening. I mean, other than the probably Jammu Kashmir in India or in the Northeast, none of us are aware of the 144 situation or the lockdowns. Actually, so rest of the part of country, suddenly we came to know about lockdown, and worldwide also there is a stay at home orders came. So initially it appeared to be carbon emissions were coming down,
airplanes are out of the travel, so air travels reduced, cars were not in the roads actually, so industries were down. So it appeared that maybe COVID pandemic comes as a, probably the blessing in the disguise, that maybe it may reduce the carbon emission and probably the world may achieve the reduction in the carbon emission all the time. That was the initial and the thinking about the environment activist worldwide actually. But it does not look like the other issues are overshadowing the benefits whatever initially we got actually. Particularly if you look at the plastic pollution worldwide today, and the increased energy consumption, both are happening. Though everybody seems to be working from home, at least in the urban settings, and the education also disturbed heavily with the online education. But it's a, I mean, we are not going to talk about the ill effects of that actually. The unaffordable people, the children are away from the education system last 1 year, and there's a huge impact on the rural education, huge impact on the and even the learning skills of the children going to the government schools. We are not even talking about those things actually, but everybody appears to be using more and more electronic gadgets and sitting at home or wherever possible and learning. That's a different issue. But mainly I would look at the enormous impact of the COVID actually. That's what we are going to do. What it appears that all of us started using the mask. None of us earlier heard about the mask actually. At least at a later stage, people realized that the use of the cloth mask is better than the reusable surgical mask and N95 mask and other things. But even in the second wave, that is also not allowed. Everybody says use the N95 mask. So and there are double mask, surgical mask. That means it's a usage of when the plastic centered mask has come back again worldwide actually. But at least country like India, for few months, all of us were using the cloth mask, but worldwide, particularly the Western countries, all of them, they were using only the surgical mask or N95 mask. So this is estimated that 3.5 million and single-use face mask and face shield are disposed on a daily basis worldwide, actually. It's a very big number. I mean, half the population, that means it's close to, if you talk about 7 billion population in the world, 3 to 4 billion single-use face masks are thrown in the air. In the world every day actually. They're all going to the ocean. And there is no mechanism to dispose them properly or to recycle them. For medical reasons, we also know the health reasons are there. So it's very difficult to even, so everybody, at the end of the day, it's incinerate them or just throw it in the general waste actually. That's a bigger problem we are going to face. So if you calculate the 3.4 billion single-use masks, official numbers worldwide, I mean, look at the last 15 months, we know what kind of damage is done already. And there's in hospital settings and the health settings, the number of PPE is being used. I mean, the country like India, I mean, because of the commercial reasons, the economic reasons, the doctors, they end up using the one PPE kit only in the ICU settings and the critical care settings. Even nurses and others also, they were not even getting the PPE kits. But country like America and European Union, other places, every day they use three PPE kits. Every 3 hours, 4 hours. I mean, imagine number of PPE kits thrown out outside actually, and the aprons, and the number of sanitizers. All of us ended up using the sanitizer, and hand wash. The health reasons are become a priority. So number of plastic bottles thrown out, number of syringes, number of disposable blades, and the biomedical waste. I'm just looking at the Indian numbers contest. We were told that the 10-fold increase in the biomedical waste last 14 months time, actually, whatever was before that. So just to give a number, what I got from the Center for CSC study conducted a few months back, actually, it says the average biomedical waste per day in terms of kgs per day was 1 lakh kgs in the June 2020. It has gone up to 2,03,000 kgs in May 2021. That's a biomedical waste. And country like India, we are only disposing only 12% of the waste, biomedical waste, properly. That's a situation. So the impact on that environment, we don't even know what kind of impact we are going to have and over the time. So and think of, I mean, this time we look at the situation in the country on the urgent problems in the everybody's case.
ended up going to hospitals on the oxygen. And people, there's a, almost every single household, all even the multiple, all the villages, you know, we started using the oximeters to measure the SpO2 levels. So there is a silent effort happening everywhere, and oximeters are getting, there are millions of oximeters are imported from China. They are all in various places. We know that cheap plastic, there's a batteries there. Batteries are not being disposed properly. And there is a huge number of oxygen concentrators being used all over the country today. I mean, the lots and lots of oxygen concentrators are coming to place. I mean, so after the COVID coming to end, hopefully, all these electrical, electronic devices will go waste, actually. So there is going to be a huge number of e-waste being accumulated in the country. These are the bigger issues coming up in terms of waste accumulation and the what we are going to, how we are going to dispose. Nobody knows all these things. But today, to fight the COVID, we need all of them. So it's a double-edged sword. One side, we need all these things, all the precautions, safety precautions, all these equipments are required to fight the COVID. At the same time, and the human, and we don't know how to handle them when it comes to climate crisis. So that's a, and look at this, I mean, in terms of the, I mean, the partly the affordable population, the cities, I mean, the worldwide also in the North America and other places, we started using more and more e-commerce facilities last 14, 15 months. I mean, there is a considerable growth in the e-commerce delivery, even in India, actually. Even in the tier 2, tier 3 towns also, people started using Amazon, Flipkart, and they're all very happy. So there is a 50 to 60% increase in the e-commerce deliveries last 1 year time, the 14, 15 months, I mean, in India alone. And all of us use, unfortunately, there is no other choice, actually, for many occasions. There's a lockdowns. Many people are not even stepping out of the homes. They are staying at home for the health reasons, for the fear of virus, actually. But we all know that how it's getting packaged. Where is the disposal policy for the packages? I mean, in the e-commerce company, it's not there. I mean, the Amazon alone, there was a study conducted by Greenpeace in 2019, actually. So the 211 million kgs of plastic packaging material used by Amazon in the US alone. That's a very big number. The Greenpeace study also says when keep all the plastic package consumed by Amazon in 2019 alone, you can roll the entire world 50 times. That's the kind of plastic being used in the packages. I mean, that's a same case. I mean, we know about, if that is the case in the North America, we know about India, what's happening. There's no disposal when it's happening. All the waste is getting mixed up, actually. The municipal corporations are, the health workers and the municipal corporation, they fight against the COVID, actually. They are unable to do anything on the waste disposal properly. That has taken the back seat in all the cities. So plastic waste stage going up and up. And there's no proper disposal mechanism. Even the ordering food, if you compare to the prior to the COVID times, actually, there is a more than 2 or 3 times the usage increased in the cities in India, actually. So, and all the food orders are using the single-use plastic. For the health reasons, nobody wants to use the reusable containers. In the last 20 years, the environment movement, whatever the efforts made by environment movement worldwide on the reusable materials, I mean, the recycle, reuse, all are taken the backseat now, actually. Everybody is using the plastic materials, single-use plastics, containers. Unfortunate. These are all the effect of COVID, actually. And there's also huge demand of laptops and desktops. Even the smartphones. India alone, there's a threefold increase in the sale in the last 15 months' time. Whatever was sold earlier, I mean, most of the families end up having the two devices, three devices. I mean, I'm talking about the affordable population, the middle class, upper middle class population in the country. They all have multiple devices at home. So earlier they had one computer. Today they all have in the two or three computers. Children are staying at home. People are working from home. So whatever was happening in the workplaces, the initially people thought it's the energy consumption also coming down worldwide, actually, but it does not appear to be. There is a study which made in the US and the North Canada, it says
commercial electrical uses come down by 7% after the COVID times, actually, during the COVID time. But the residential electric use has gone up by 7.5%. That means it's offsetting. So instead of going to one place and working from there, so everybody's working from home, and the people also end up working long hours today. And this data usage is increased, and the bandwidth consumption is gone up, and everything results in the huge data centers now. And the number of data centers running, all of us, we know the old the calculations, like every Google search, and you can, one single Google search, you can light a 60 watts bulb for a second, actually. That's the kind of numbers we used to calculate. So number of data centers have gone up. The video streaming is happening everywhere. So people are now, instead of going to the movie theaters, everybody's watching the movies in the OTT platforms, other thing. So energy consumption on the in the data centers is gone up multiple times, actually. So all these things are impact of the COVID on the environment issues, actually. That's pandemic was parallelly happening currently, but one is not helping the other one. That's a very unfortunate situation, actually. It is going to continue for a year, maybe, all over the world, actually. And that's I'm not even talking about the other impact, actually. There is indiscriminate use of disinfectants, materials, chemicals all over the world, actually. The fight against the COVID, actually. And everywhere we are seeing that people are using sanitizers, disinfectants, and everything going to the river and water, and the water contamination is happening everywhere. So these are all the thoughts. When I compare both the COVID and the climate crisis, and we don't have any answers now currently. We have to see how we can overcome those situations. But eventually, and we will definitely overcome the COVID over the time, actually, with the vaccination or the herd immunity or the thing. But climate crisis, I don't know how we are going to solve. So I end with this, and a lot of experts are here. Yes. I'm glad to hear from them and listen to them. Thank you. Thanks for giving the opportunity. Thank you. And it's true, you rightly point out our difficult situation. We are talking about restoration of ecosystem, but we are using lots of ton of plastics and waste, and it's a big issue. And you rightly point out that we need to get a waste disposal policy. We also in this meeting we will think on that. We need it on this point. It's very important point. We need waste disposal policy. So thank you, Mr. Gurumurthy ji. हम लोग अभी उनको सुने हैं. कोविड सिचुएशन में हम लोगों का क्या परिस्थिति है. एक जगह हम लोग जब कह रहे हैं कि इकोसिस्टम को रिस्टोर करना है, दूसरी तरफ हम लोग लॉट्स ऑफ मिलियंस ऑफ मिलियंस प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, तो इसको कैसे हम लोग ओवरकम करेंगे. ये बहुत ही एक कठिन सिचुएशन है, लेकिन होपफुली हम लोग कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा. तो इसमें हम लोग चर्चा करते रहेंगे. अभी मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर मानुषी भार्गव को, जो इकोलॉजी रेस्टोरेशन से ही काम करते हैं उसमें ही, और यूथ को जोड़ने का काम करते हैं. डॉक्टर मानसी भार्गव, मानसी जी है ना. यस. सो मैं मानुषी भार्गव को अनुरोध करूंगा. ये आज का दिन का जो पर्सपेक्टिव है, इसमें उनका जो जो पॉइंट है वो हम लोगों के सामने रखे. Now over to Dr. Manushi Bhargav. Good evening, one and all. Thank you, Guru sir and Tushar sir. I will speak in English so that it makes sense to all of you. And greetings from Ahmedabad. I don't want to say happy Environment Day, because the environment is not happy. Humans may be happy for what they do. So I would like to focus on the topic today, which is Nadi Bachao, Jeevan Bachao. Probably it is also organization, but focusing on the environment itself. When we talk about environment, and we often talk about at a scale, global environment, India environment, and then we come to
the scale of talking about we are doing this, I would like to bring notice to everybody, who are these we? Aren't those we? So I'm a governance scholar. I would like to put ourselves also in that situation, instead of talking about that. When we say we are often pointing out to they. Either the they are the rich people or they are the poor people. If we are talking about vulnerability, we talk about the poor people. When we talk about capitalism, we talk about the rich people. When we talk about India, we are talking about some people are using Amazon, some people. I would like to focus on that this we is not a distant thing. Whether it is about morality, whether it is about governance, we means my own relatives, my own acquaintances. And somewhere we are shying away to own the problem. Somewhere we are shying away to change our behavior. Somewhere we are unwilling, and we are in that constant state of prisoner's dilemma to think that I am not spoiling the environment, but others are spoiling. My family is not spoiling. My acquaintances are all this milk-cladded clean people, and others are the people who are spoiling the environment. I would like all of us to first own the problem that I am the problem. I am participating in the problem. I am contributing to the problem. From there, if we start conversation, I think we are in a better state to discuss what can I change. We don't have to go very far. We can look at our own senior mentors talking about change begins from home, charity begins from home, be the change you want to see in the world. So I think today is a good day, even if we are 17 people or 15, 16 people who... If you can make one pledge that I will change myself like this, I think we bring a change. Because otherwise, people like me also, let's say, if I'm writing and talking about others are not changing, we are not heading anywhere. So my request to all of you, instead of me giving speech, I want to actually question all of you with 15 seconds, what is one change you can bring in your life? That's my speech. I want to hear. I'm a governance scholar. I want to know what you want to bring a change. We are all set of educated 17 people. What can you change in your lifestyle? Let me ask you. That's my speech. Yes, we can start with Sarkar, madam, which I am seeing, Ajanta Sarkar. That's 15 seconds, no more than that, no explanation. Just reflect upon yourself. There is a mirror in front of you. What will you change? And Ankit is making notes for our commitments. Madam, thank you for giving me a chance to speak in this. Okay, you have a network problem. Hello. Can you hear me? Yes. Can you hear me? Yeah. So first thing, I appeal don't use plastic bottles. Actually, so we are dumping the plastic bottles, and today we are accustomed with for drinking water from plastic bottles, and there is a dumping of plastic bottles. But 15 seconds over. You will not drink water from the plastic bottle from here on for rest of your life. Very well taken point. Yes, our very host. What will you change in your life? मैं कहना चाहूँगा, ऐसे अगर हम लोग कहते रहेंगे हमारी जो टाइम डेढ़ घंटा है क्रॉस कर जाएंगे. नहीं होगा. मैं तो मेरे आपने मुझे 10 मिनट दिया है, मुझे 15 सेकंड्स पर हेड चाहिए. Sure. It's a very good suggestion actually from your side. So I will take only 10 seconds from my side. Please, one little thing which you can bring a change in your life. Yes, actually it's a very good point, Dr. Sandeep. And we talked about this a couple of years back as a movement itself. So what I did for that time, I decided to not to travel by air actually. I dropped it. Very good. 2 years time. So you will stick to it? Yes, I'm sticking.
wherever in the 15 second over. Thank you so much, Guru sir. Please appreciate that I am running. I have been given 10 minutes or 12 minutes to speak, and I'm utilizing it to learn from you. Thank you so much, and I hope you appreciate it. It's not an arrogance, but it's just that I want to learn from you. No, I understand. 15 seconds. जी तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि जहाँ भी जाऊँ वो अपना बैग या अपनी बॉटल ये सब लेके जाऊँ, कोई मार्केट से नहीं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच अंकित, यू आर मेकिंग नोट हाँ हु इज कमिटिंग टू व्हाट। वेरी गुड, थैंक यू। आई विल टेल यू वेयर वी हैव टू डू लिटिल बिट मोर देन दैट एक्स्ट्रा लाइन, दैट विल बी माई लास्ट लाइन टू ऑल ऑफ यू। यस, 15 सेकेंड्स तुषार, you can't shy away with saying that I will not have time. 15 seconds please, what will you change? You will clean the river every day? You see, I changed the whole thing, huh? Asking you. Tushar, fair up ka mic off hai, fair up ka mic off hai. Just one little thing which you will change from today, what you have been doing now from today for rest of your life. Pledge. Okay, I go to some other person because time is short. Rohit Netaji, because I saw Netaji lover, I saw you speaking. Yes, ma'am. I don't need to repeat the question, right? We all know the question now. Please speak. I want to every plastic you have a ban the India government. Every plastic product. You want to ban Indian government or ban plastic product in your life? For a plastic product. In your life? I appeal to India government. No, appeal se nahi hoga. Charity begins at home. Hamara paas hai madam. Hum plastic ka dusra hai mere paas. Very good. You still didn't get the question, but thank you so much. Shiva. A change which you are going to bring from today onwards for rest of your life. I already had plans, and I'm not going to have a child. Very good. And you are already, by the way, supporting my initiative. Huh? I already took this decision 27 years ago because my father and my in-laws had too many children. And it was upfront decision that because you had my share of children, I'm not going to have children. Right. Very good. We are together. Okay. And trust me, I have not regretted a single day in my last 27 years. Okay. So we have already biggest contribution a mother can make is to not have a child on this planet. Having more children are making more mouths to feed. Okay. Very good. Shiva, we can get in touch. Yes, Tushar, sir. 15 seconds. Please don't make me repeat the question because I'm running out of time. Thank you. सौरभ, चलो आपसे पूछ ले, वी हैड अ लॉन्ग कन्वर्सेशन, प्लीज। तो जो कर सकता हूँ वो हर साल पांच ट्रीज आई कैन प्लांट इन एवरी ईयर, एंड आई नेवर यूज एनी प्लास्टिक, नेदर बॉटल नॉर एनी काइंड ऑफ प्लास्टिक। यू विल प्लांट 5 ट्रीज एवरी ईयर? या। वेरी गुड, एंड यू विल टेक केयर ऑफ इट। प्लांटिंग इज नॉट इनफ, यू नो दैट, राइट? प्लांटिंग इज लाइक मैरिज, शादी एक दिन किया, बाकी मेंटेन करना पूरी जिंदगी पड़ता है। हाँ, लेकिन सिर्फ मेरा घर पे नहीं, मैं बोल रहा हूँ पूरा म्युनिसिपैलिटी, जैसे इस बार भी क्या हूँ, साल में 5 प्लांट लगाएंगे ना। हाँ, ऑलरेडी हो गया। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ओके, आई थिंक थैंक यू सो मच। आई केम टू एंड ऑफ माय शेयर ऑफ टॉक। दिस वाज जस्ट टू टेल हाउ डिफिकल्ट एज अ कम्युनिटी आवरसेल्व्स टू कमिट टू समथिंग फॉर द सोसाइटी, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी ट्रिवियल थिंग्स। Not drinking by plastic bottle is very important, but is not sufficient. Not doing this or going to do this is very important, but not sufficient. But I'm saying that it, don't stop doing that. But importantly, what are we able to, are we able to actually at least convince 4 more people to not do the same things which you are not doing? No. Please understand, we live in a complex society, and we must have respect for our political leaders, that how they deal with us as complex citizens who are not willing to listen to all the policies, who are not willing to follow all the rules. Amidst that, there are only few people who are
really wanting to do this or that. So please, if you have taken this leadership role, first thing first, managing environment is about managing the society. Environment knows much better how to manage itself. Let us learn to manage ourselves. Environment will manage itself. Thank you so much for my slot. Thank you, Dr. Manushi Bhargav. और एक इनोवेटिव आइडिया से हम लोगों को सिखाने की कोशिश की है कि कैसे हम लोगों का इस कंट्रीब्यूशन रहेंगे सिस्टम को रिस्टोर करने के लिए. लेकिन ये सच एक दुविधा, एक कठिन परिस्थिति है कि हम लोग जो इस क्लाइमेट चेंज और प्रदूषण के लिए जिसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है, उनको अगर चेंज भी कर पाएंगे तो जो लोग असल में ये पॉल्यूशन कर रहे हैं, प्रदूषण कर रहे हैं, उसको कैसे हम लोग चेंज कर पाएंगे. तो एक सचमुच का एक इनोवेटिव आइडिया हो सकता है कि अगर पहले हम खुद को चेंज करेंगे तो हम लोग सबको चेंज कर पाएंगे. थैंक यू मानसी जी. आप आई जस्ट एड अ लाइन हियर बिकॉज यू रेज एन ओपन एंडेड सिचुएशन फॉर मी. आपके अलमारी में अगर 10 कपड़े से ज्यादा कपड़ा है, आपके घर में एक कार से दो कार है, आपके पास एक घर से दूसरा घर है, तो समझ जाना वी आर ऑलरेडी टॉकिंग हिपोक्रेसी अबाउट एनवायरमेंट कंजर्वेशन. बाइंग अ सेकंड हाउस, बाइंग अ सेकंड कार, बाइंग अ सेकंड टू व्हीलर, मिडिल क्लास इज ऑलरेडी स्क्रूइंग द एनवायरमेंट. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम देयर. एकदम कलकत्ता में आपको निमंत्रण रहे, मेरे घर में आइए, तो हमारी लाइफस्टाइल के साथ आप भी रूबरू होंगे. तो वो एक अलग बात है, वो बात हम सामने नहीं आना ही ठीक रहेगा. तो फिर भी एक इनोवेटिव आइडिया है, हम अपने आप को चेंज करें फिर दूसरे को चेंज करने की बात करेंगे. हम लोग आगे बढ़ते हैं, वी आर गोइंग लेट, लेकिन हम लोगों को सुनना है. और अभी मैं डॉक्टर शिवा दुबे उनको बुलाना चाहूँगा, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है. हेलो, तपस जी आपकी आवाज नहीं आ रही है जी. हाँ, नेटवर्क चला गया, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं शिवा जी. आपकी आ रही है शिवा जी, तो आप शुरू कीजिए. ओके. मैंने एक्चुअली, मुझे ये आपके इवेंट का फॉर्मेट नहीं पता था, तो मैंने प्रेजेंटेशन बनाया है, लेकिन मुझे लगता है अब मैं वर्बली ही बोल दूँ तो बिना प्रेजेंटेशन के तो अच्छा रहेगा, समय भी कम है. नहीं, आप शेयर करना चाहे तो करिए, मतलब ऐसा कोई समय कम नहीं है, हम लोगों का ही समय है, हम लोग चाहे तो उसको बढ़ा भी सकते हैं. तो आपने अगर बनाया है, मेहनत की है, तो हम लोग के साथ शेयर कीजिए. मैं देख लूं बस कि वो शेयर स्क्रीन वाला ऑप्शन है कि नहीं. ओके, मैं एक्चुअली दूसरे एक और लॉगिन करूंगी मेरे लैपटॉप से. ठीक है, और वहां से शेयर करिए. यस, तो मैं इसमें बहुत एक बात हमने ये करी कि पोल्यूशन जो है या फिर क्लाइमेट चेंज किस तरीके से हो रहा है या उस पर क्या गलत हम कर रहे हैं कि उस पर इम्पैक्ट हो रहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट ह्यूमंस पे क्या हो रहा है पलट के, आई वांट टू टॉक अबाउट दैट. एक थोड़ा सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव लेके, ये तो हमने देखा ही है और काफ़ी लोगों को पता भी है कि काफ़ी कुछ फैक्टर्स हैं इंडिया में जो क्लाइमेट और एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जिनमें रिसेंटली बहुत सारा चेंज आ रहा है और भी प्रेडिक्ट किया गया है कि आएगा. जहाँ पे दूसरे देशों में, कई देशों में एक या दो वल्नरेबिलिटीज नोटिस की गई हैं, इंडिया में मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज क्लाइमेट के संदर्भ में नोटिस की गई हैं कि होने वाली हैं. तो जिस तरीके का इंडिया में अब असर होने वाला है वो मल्टीफेसेटेड है. यहाँ पे हम हीट वेव की भी बात कर रहे हैं, हम ज़्यादा गर्मी की बात कर रहे हैं, ज़्यादा बारिश की बात कर रहे हैं, सूखा भी पड़ेगा, पानी कम होगा, और एक तरफ जहाँ ठंड पड़नी है वो भी ज़्यादा पड़ेगी,
साइक्लोन भी ज्यादा आएगा, ये तो हमने देखना शुरू कर ही दिया है। एक बहुत सिंपल मैं आपको फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ कि जब हम क्लाइमेट चेंज का ह्यूमन इम्पैक्ट देखते हैं तो हम इसको चार नज़रिए से देख सकते हैं या चार लाइफ के चार एरियाज में देख सकते हैं। एक ये हो गया कि पूरा जो हैबिटेट है, मतलब हम मैं जहाँ रह रही हूँ, ये जो इकोसिस्टम बताया तुषार जी ने पहले, उस तरीके से सोच लीजिए कि सिर्फ मेरा बिल्डिंग या मेरा घर नहीं, उससे बड़ा जो मेरा पूरा इलाका है, वहाँ पे हवा पानी कैसा है, वहाँ पे कोई वाटर बॉडी है क्या, कोई ट्रीज हैं क्या, कोई बायोडाइवर्सिटी है क्या, हर चीज़ मिला के एक पूरा हैबिटेट बनता है तो उस पे तो असर होगा ही होगा। और हर अलग अलग हैबिटेट में कुछ ऐसे हैबिटेट हैं जहाँ पे ज़्यादा असर होने ही वाला है, प्रेडिक्ट किया गया है, और कुछ ऐसे हैं जहाँ उतना नहीं होगा। तो एक उस नज़रिए से हम देखें कि जहाँ पे पूरा हैबिटेट इम्पैक्ट होने वाला है। दूसरा एक हम उसमें और थोड़ा जूम इन करेंगे कि हाउसिंग पे किस तरीके से असर होता है क्लाइमेट चेंज का, या सीवियर क्लाइमेट का, एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस का, और तीसरा चीज़ कि लाइवलीहुड यानी रोजगार पे क्या असर पड़ता है। और उससे भी हम और जूम इन करके देखेंगे तो हमें एक इंसान के उसकी हेल्थ, उसकी लाइफ हमने कोविड के टाइम में बहुत अच्छे से समझा है, एंड इवन ह्यूमन राइट्स वायलेशन हम देखेंगे। हाई रिस्क हैबिटेट्स का काफ़ी लंबा लिस्ट है, इंडिया में काफ़ी ऐसे रीजन्स हैं, कोस्टल एरियाज तो पूरे ही हैं, और हिमालयन बेल्ट बहुत हाई रिस्क है, और ड्रॉट प्रोन एरियाज इंडिया में बहुत सारे हैं, उसके ऊपर कई रिपोर्ट्स हैं। और इसमें से अब आप देखते हैं जैसे फॉरेस्ट फायर्स भी कहीं कहीं प्रेडिक्ट की गई हैं क्लियरली कि बहुत होने वाली हैं। जैसे महाराष्ट्र से मैं बात कर रही हूँ, पुणे में हूँ अभी, तो महाराष्ट्र में लाइटनिंग का इशू बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये सारे एरियाज जो हैं ये बहुत हाई रिस्क हैबिटेट्स हैं। इनमें से भी वो कम्युनिटीज़ जिनके हैबिटेट्स ज़्यादा ही हाई रिस्क हैं और उसमें कुछ सोशियो पॉलिटिकल आस्पेक्ट भी है और एक कैपिटलिस्ट ट्रेंड भी है, वो तो हम सबको पता ही है, इस पर डिस्कस ज़्यादा करने की बात नहीं है कि आदिवासीज़ का पूरा हैबिटेट खतरे में है। तो वो कल जाके डिस्प्लेस होंगे, कॉन्फ्लिक्ट भी हो ही रहा है। इस पर ज़्यादा बात ना करते हुए हमने देखा ये कोविड के समय में हमें नज़र आने लगे कि माइग्रेंट्स भी होते हैं, लेकिन डेफिनेटली होते हैं, और रोज़गार के लिए वो शहरों की तरफ आते हैं या दूसरे स्टेट की तरफ जाते हैं, लेकिन कई बार क्लाइमेट और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एक बहुत बड़ा कारण होता है उनके माइग्रेशन का। तो इस चीज़ को इनको इनका पूरा हैबिटेट लॉस होता है, इनको पूरे तरीके से डिस्प्लेस होना पड़ता है, और फिर जब ये शहर आते हैं तो इनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये भी हमने देखा है कोविड के टाइम, इस पर बहुत बात हो चुकी है। हाउसिंग, जो होमलेस पीपल हैं उनको तो डेफिनेटली शेल्टर की सुविधा इंडिया में बहुत कम है, इस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वेदर कंडीशंस जब सीवियर होते हैं तब इसकी बहुत बहुत ज़्यादा अर्जेंटली ज़रूरत पड़ती है, और वो आसपास नहीं होने की वजह से इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। जितने अर्बन और रूरल पुअर हैं उनके जो हाउसेज हैं वो जिस तरीके से बने हैं, सो दे आर पुअरली बिल्ट, उनमें इतनी ताकत नहीं है, उनके स्ट्रक्चर्स में इतनी ताकत नहीं है, उनका एलिवेशन इतना नहीं है कि सीवियर वेदर को वो झेल सके। और जो कम्युनिटीज़ हैं वो जिस तरीके से वो सेटलमेंट्स पूरे डिज़ाइन किए गए हैं या बनाए गए हैं, जैसे रोड्स हो गई, पक्की सड़क नहीं होती है या पक्के नाले नहीं होते हैं, वहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट ठीक से नहीं होता है, ये स्लम्स में अक्सर देखा गया है, आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं होता है, और इंडिया का जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट वर्क है वो भी उतना तगड़ा नहीं है। हमने ये देखा कोविड के टाइम में कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर प्रिपेयर्डनेस, डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस जिसको कहते हैं, वो भी बहुत पुअर होती है पुअर कम्युनिटीज़ में। अक्सर जो स्लम्स हैं या फिर गरीबों के घर हैं वो ऐसी जगहों पर बनाए जाते हैं जो हाई रिस्क होती हैं, जैसे किसी डंपिंग ग्राउंड के आसपास है या इंडस्ट्रियल वेस्ट जहाँ पड़ा हुआ है उसके पास में है,
कोस्टल जोन जहाँ पे कई बार पानी भर जाता है, जैसे हाई टाइड आती है या जहाँ लैंडस्लाइड ज्यादा होती है, इस पे उसके ऊपर भी उनके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो है नहीं कि वो दुरुस्त करवा लें घर, या फिर एक बार टूट गया फिर से बनवा लें। गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है, कई बार उन तक नहीं पहुंच पाता है, उसमें भी बहुत इनइक्विटी देखी गई है। और गवर्नमेंट की पॉलिसीज एक बहुत बड़ा कारण बनती जा रही हैं इन कम्युनिटीज को, इस तरीके के घरों में रहने वाले लोगों को और ज़्यादा परेशान करने के लिए। कई बार फोर्स्ड एविक्शन भी होता है, और कई बार इस तरीके से गवर्नमेंट प्लान्स बन जाते हैं, डेवलपमेंट प्लान्स की उनका बहुत बड़ा नुकसान हो ही जाता है। ये कुछ तस्वीरें हैं, ये स्लम्स में देखा गया है, क्लियरली देखा गया है कि जहाँ पे नॉन स्लम एरिया जो है, जो अच्छे से डेवलप्ड एरिया है, वहाँ पे इजीली बारिश का पानी निकल गया, जबकि स्लम में वो बाढ़ बहुत दिनों तक परेशान करी लोगों को। इसमें इनइक्विटी तो है ही है कि मतलब असमानता, रिसोर्सेस को मिलने की असमानता। ये स्लम के लोग हैं जो पानी के टैंक के पीछे कब से इंतजार में लगे हुए हैं, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो पैसे वालों के घर हैं उनको इतना पानी दिया जा रहा है, हर फ्लोर पे स्विमिंग पूल का प्रॉमिस या हर फ्लोर पे जंगल बनाने का प्रॉमिस कि इतना पानी आपको मिलेगा, आप परेशान ना होइए। तीसरा जो एरिया था लाइवलीहुड, क्लियरली इसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है, डिफरेंशियल इम्पैक्ट, इनइक्विटेबल इम्पैक्ट। पहली बात की रिसोर्सेज जब महंगे होंगे तो कौन उसे एक्सेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, कौन अपने जॉब पे समय पे जा पाएगा या रोजगार पे समय पे जा पाएगा, और जो नहीं जाएगा तो उसको क्या उसका हर जाना उस दिन का रोजगार मिलेगा या उसको कुछ नहीं मिलेगा, काम करते समय उसको कितना एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस, वेदर कंडीशंस का सामना करना पड़ेगा। तो हम जैसे घरों में बैठ के ये वेबिनार कर रहे हैं, हर कोई इतना लकी नहीं है कि उसको घर के अंदर या ऑफिस के अंदर बैठ के काम करना है। इसको यहाँ पे मैं और अच्छे से समझाती हूँ। ये अलग अलग उनके जो वल्नरेबिलिटीज हैं वो मैंने यहाँ पे नोट करने की कोशिश की है कि इसमें ये आप समझिए, जो हाई एक्सपोजर ड्यूरिंग वर्क है, सिर्फ इतना ही नहीं कि वो काम ऐसे काम करते हैं जहाँ उनको ज़्यादा एक्सपोजर होता है, बल्कि इनको इनफॉर्मल वर्कर्स को क्लाइमेट कैनरीज भी बोला गया है, या सेंटिनल केसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज इफेक्ट। इसका मतलब ये है कि जब ये, क्योंकि ये लोग ऐसे इनफॉर्मल कंडीशंस में ऐसे ऐसे काम करते हैं कि क्लाइमेट चेंज का जो पहला इम्पैक्ट होगा या असर दिखना शुरू करेगा तो ये सेंटिनल केसेस होंगे, मतलब ये सामने खड़े होंगे पहली बार वो इम्पैक्ट झेलने को, और तब हमें समझेगा कि अच्छा ये भी इम्पैक्ट होने वाला है क्लाइमेट चेंज का। तो मतलब ये कैनरीज की तरह, जैसे कोल की खदान में चिड़िया भेज दी जाती है या ऐसे कुछ की चेक किया जाए कि अंदर कुछ ऑक्सीजन है भी या नहीं है, उस तरीके से आप इनफॉर्मल वर्कर्स को देखिए कि उन पे ही सारा ट्रायल एंड टेस्टिंग होने वाला है, वही हमें बताने वाले हैं कि इस एरिया में भी क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट होगा, आप यहाँ की भी तैयारी कर लीजिए। तो एक तरीके से हम बहुत सैक्रिफाइसिंग कंडीशन में आने वाले हैं, आ रहे हैं ऑलरेडी। इनके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी ये नहीं है कि रोजगार का लॉस हो गया, ये तो हमने कोविड के टाइम में देखा। ये भी नहीं कि चलो अगर कोई जैसे ठेले वाला है, फेरी वाला है, और उसका ठेला बारिश में बाढ़ में नष्ट हो गया तो उसके पास तो इंश्योरेंस नहीं है कि वो दूसरा ठेला खरीद ले, या किसी के घर में उसका कुछ बेचने का स्टॉक पूरा पड़ा हुआ है और वो कुछ खराब हो गया है तो उसका कोई इंश्योरेंस उनको मिलने वाला नहीं है। इनके पास बहुत कम अपॉर्चुनिटीज हैं, स्किल्स हैं या रिसोर्सेज हैं, इनको ट्रेन करने वाला कोई नहीं है कि आप क्लाइमेट चेंज के हिसाब से अपना रोजगार अडेप्ट कैसे कीजिए। पहली बात तो इनको इस तरीके से कोई डिटेल में बताने वाला भी नहीं है कि क्लाइमेट चेंज क्या है और इसका आपकी लाइफ पे डायरेक्ट क्या असर है। ये सारा सिर्फ एलीट स्पेसेस में बात हो रही है कि क्लाइमेट चेंज क्या है, उसका क्या असर होने वाला है। एंड डेफिनेटली दे आर वेरी एक्सक्लूडेड इन क्लाइमेट पॉलिसी, हमने ये बार बार देखा है।
मैं महाराष्ट्र के जो क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान है उसके ऊपर काफी क्लोजली स्टडी कर रही हूँ. यहाँ पे अर्बन और रूरल पुअर की कोई बात नहीं हुई है, उनके लिए अडेप्टेशन फंड का कोई इंतजाम नहीं हुआ है. इनफैक्ट जहाँ पे पब्लिक कंसल्टेशन होते हैं वहाँ पे भी इन्हें कोई मौका नहीं मिल रहा है अपनी बात रखने का. हमने ये बार बार देखा है, बहुत सारे स्टोरीज हैं कि किस तरीके से इम्पैक्ट है. फार्मर्स डेफिनेटली इस पे काफी लोगों ने कई बार बात कर चुकी है. हेल्थ आप लोगों ने कुछ ने पहले ये चीज कवर की है, हेल्थ पे इम्पैक्ट होता है. लाइफ डेफिनेटली हमने कोविड के टाइम में इतना लाइफ लॉस देख चुका है, अब हमें समझ में आ भी गया है. ह्यूमन राइट्स इसको थोड़ा एक और नज़रिए से देखेंगे. क्लाइमेट चेंज में भी इसके इम्पैक्ट में भी हम कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हैं और प्रेडिक्शन है कि ये और ज़्यादा हो सकता है. इवन रिलीफ के टाइम या फिर पॉलिसी के टाइम भी हो सकता है. और इसको हम जितना जल्दी समझ लें, दलित तबका ऐसा जो है वो ही ज़्यादातर है जो आज के डेट में इनफॉर्मल वर्कर है या इनफॉर्मल सेटलमेंट में रहने वाला एक जो ये प्रोपोर्शन उनका हाई है. महिलाओं को और गर्ल्स को ज़्यादा तकलीफ डेफिनेटली होने वाली है, हो ही रही है. जब पानी की कमी होती है तो डेफिनेटली मेंस्ट्रुअल हाइजीन की कमी होती है, उसमें तकलीफ होती है. जब पानी भरने की जिम्मेदारी होती है, ये केस वाटर वाइफ्स का महाराष्ट्र का है, जहाँ पे एक वाइफ जब इस कंडीशन में नहीं होती है कि वो पानी भरने जा सके तो दूसरी शादी की जाती है, वो इस कंडीशन में नहीं है तो तीसरी शादी की जाती है. लेकिन वो हस्बैंड के दिमाग में ये नहीं आता है कि वो खुद चला जाए पानी भरने. एनीवेज सो ये चीज़ें देखी गई हैं. और डिजास्टर्स के बाद भी, डिजास्टर्स ड्यूरिंग डिजास्टर्स भी, कोविड के टाइम भी ये देखा गया कि जैसे जो वुमेन है उन पे डिफरेंशियल इम्पैक्ट, मतलब उन पे इम्पैक्ट ज़्यादा है. वुमेन वर्कर्स अपने जॉब पे नहीं जा पाए जबकि मेन ज़्यादा प्रोपोर्शन में जा पाए लॉकडाउन के कंडीशन में. मेरे यहाँ पावर चली गई है तो प्रेजेंटेशन अभी चला जाएगा थोड़ी देर में. और प्रोस्टिट्यूशन भी बढ़ रहा है, हमने ये भी देखा. और आखिरी जो कैटेगरी में बोलना चाहती हूँ इसमें है चिल्ड्रन. बच्चों पे बहुत ज़्यादा असर होने वाला है, जैसे गर्मी बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, जो बीमारियाँ जो ये मेडिकल प्रोफेशन वाले ज़्यादा बता सकते हैं, जैसे मलेरिया हो गया, डायरिया हो गया, मेल न्यूट्रिशन हो गया, ये चीज़ें प्रेडिक्ट की गई हैं कि ये बढ़ने वाली हैं बच्चों में. और जब डिज़ास्टर होते हैं या डिज़ास्टर के बाद जो बच्चे बच जाते हैं, उनके पेरेंट्स उनसे अलग हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, उनके साथ जो अब्यूज़ हो सकता है और उनकी जो ट्रैफिकिंग हो सकती है, ये अलग मेजर थ्रेट है बच्चों को. इस पे मैं सम अप करने के लिए क्लाइमेट इनजस्टिस और जस्टिस के बारे में बस दो स्लाइड्स रह गई हैं मेरी, तो बिना स्लाइड के मैं कवर करती हूँ. क्लाइमेट इनजस्टिस को मैं तीन नज़रिए से देख रही हूँ. एक है कि इनइक्वालिटी तो है ही, कि कौन पोल्यूशन कर रहा है या कौन इकोलॉजी को, क्लाइमेट को ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है उसमें इनइक्वालिटी है. तो क्लाइमेट जस्टिस का अगर आप ग्लोबल डिस्कोर्स देखेंगे कि ग्लोबली उस पर क्या बात हो रही है, उसमें ये बात हो रही है कि वेस्टर्न कंट्रीज आर हाईली पोल्यूटिंग कंट्रीज एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और सदर्न कंट्रीज आर द वंस जो कम पोल्यूट कर रही हैं, लेकिन उन पे इम्पैक्ट ज़्यादा हो रहा है. तो एक इनइक्वालिटी की बात तो वहाँ हो ही रही है. दूसरी जो स्पेस है, जहाँ पे आस्पेक्ट है, जहाँ पे साफ साफ जो नाइंसाफी होती है, वो है गवर्नमेंट पॉलिसी में. क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी आज भी ऐसे पॉलिसीज़ को गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है जो और क्लाइमेट का डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो हाईली डिस्ट्रक्टिव और हाई फुटप्रिंट वाली इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, उनके लिए लैंड एक्वायर करके दे रहे हैं इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट. उनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट रेड कारपेट बिछा के दिया जा रहा है.
और उसी को आप दूसरी तरफ देखते हैं कि जो लोग, जो हमने अभी अलग अलग ऐसे समूहों की बात की जिन पे ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, उनको पॉलिसी मेकिंग के प्रोसेस से ही निकाल दिया जा रहा है। जो हम किसान आंदोलन देख रहे हैं वो उसी का एक चेहरा है। तो यहाँ पे भी नाइंसाफी हो रही है। और तीसरा जो मैं टॉपिक देख रही हूँ, जहाँ पे एरिया देख रही हूँ जहाँ पे नाइंसाफी हो रही है, वो क्लाइमेट एक्शन स्पेस में ही हो रही है। मतलब जहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि वो लोग कौन हैं जो क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहे हैं, और जो क्लाइमेट चेंज पे लोगों को बता रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए और आपको वो करना चाहिए, ये बड़ी बड़ी एनजीओस कौन सी हैं, और ये ऐसे कौन से डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और ये किस तरीके का एक्शन प्रमोट कर रहे हैं। तो उसमें भी हम क्लियरली देखते हैं एक ट्रेंड कि इंडिविजुअल एक्शन को तो इम्पोर्टेंस दे ही रहे हैं, वो तो देना ही चाहिए। मानसी जी ने भी बताया कि चैरिटी बिगिंस एट होम, लेकिन कहीं ना कहीं ये कॉन्स्पिरेसी है कि जो कलेक्टिव एक्शन है या जो पॉलिसी लेवल के हमें ड्रास्टिक स्टेप्स लेने की आज जरूरत आन पड़ी है, उसको टोटली इग्नोर किया जा रहा है। हम कोई उसमें से बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कैपिटलिज्म और लिबरलाइजेशन का एक क्लियर क्रिटिक लेके सामने आ रही हैं, वो ये बोलने से कतरा रही हैं। तो मैं इसको देखती हूँ कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस। तो ये भी नाइंसाफी है कि आप क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात कर रहे हो, आप एक्सपर्ट हो, लेकिन आप इतनी बड़े मुद्दों को टच भी नहीं करना चाहते हो, क्योंकि शायद सरकार को वो पसंद नहीं आ रहा है। जो भी रीजन है, मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रही हूँ। और अब मैं बिफोर क्लोजिंग में एक चीज, ये एक और फ्रेमवर्क बहुत सिंपल सा देके जाना चाहती हूँ कि क्लाइमेट जस्टिस फिर हमें कैसे इंश्योर करनी है। हमने इनजस्टिस देखी, हमने डिफरेंशियल इम्पैक्ट देखा, सब देखा। तो मैं इसको तीन स्टेजेस में देख रही हूँ, या तीन एस्पेक्ट्स में देख रही हूँ, तीन अलग अलग तरीके की जस्टिस देख रही हूँ। एक तो है जस्टिस एज रिकॉग्निशन, हमें पहचान करने की जरूरत है, सिर्फ ग्लोबल लेवल पे नहीं। हम ग्लोबली तो सब कोई पहचानता है कि यूएस, चाइना और बाकी के वेस्टर्न कंट्रीज हाई कंजम्पशन, हाई इकोलॉजिकल फुटप्रिंट वाले कंट्रीज हैं। हम लोकल लेवल पे क्या पहचानते हैं कि कौन ज्यादा क्लाइमेट चेंज कॉज कर रहा है, कौन ज्यादा इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन कर रहा है? हम वो नहीं पहचानते हैं आज की डेट में, हमने कभी पहचानने की कोशिश नहीं करी। तो लोकल लेवल पे हम ये देखें कि कौन जो है ज्यादा क्लाइमेट चेंज कर रहा है, ज्यादा पर्यावरण को नष्ट कर रहा है, और दूसरी तरफ हम ये देखें कि किस पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। लोकली कौन है जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है? ये हर छोटी छोटी लोकैलिटी में, हर गांव में या हर सिटी में भी अगर हम मैप करें तो रिकॉग्निशन तो कम से कम मिलता है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है प्रोसीजरल जस्टिस, कि जहाँ पे हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं, हम क्लाइमेट चेंज को लेके क्या क्या प्रोसेस करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पॉलिसीज ऐसी बने, हम चाहते हैं कानून ऐसे बने और ऐसे ऐसे प्लान बने कि उसको इंप्लीमेंट करके कुछ चेंज हो, लेकिन क्या हम वल्नरेबल कम्युनिटीज को, जो सबसे ज्यादा हाई रिस्क पे हैं, उनको इस पूरे प्रोसेस में शामिल कर रहे हैं? क्या हम उनको लेके चल रहे हैं? क्या उन्हें ये बातें समझ भी रही है कि इस तरीके की एक प्लानिंग हो रही है, इस तरीके का काम होने वाला है? हमने ये देखा कि एटलीस्ट महाराष्ट्र में जो एक्शन प्लान्स बन रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स बन रहे हैं, कोई वहां पे रिप्रेजेंटेशन नहीं है, पार्टिसिपेशन नहीं है। वो पब्लिक पार्टिसिपेशन या कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात एकदम लास्ट स्टेज पे आके करते हैं, जब प्लान के इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आ जाए, वो पहले नहीं उनको लेके आते हैं टेबल पे कि आप शुरुआत से जानो कि क्या हो रहा है, या आप बताओ हमें कि हमें आपके कम्युनिटी में क्या करना चाहिए। तो इसको मैं प्रोसीजरल जस्टिस की तरह देखती हूँ। और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। शायद ये वक्त आ गया है कि हमें इकोलॉजिकल टैक्स लगाने की जरूरत है। अगर आपके पास, सरकार के पास पैसा नहीं है हर उस छोटे घर को जो मिट्टी से बना है या कच्चा घर है मजबूत करने का, उसका एलिवेशन बढ़ाने का, उसकी छत पक्की करने का,
तो अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो जो लोग पोल्यूशन कर रहे हैं, जिनका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ज्यादा है, आप उनसे पैसे ले लो, उनको टैक्स करो, पर आप रीडिस्ट्रीब्यूट करो रिसोर्सेज जहाँ पे हम सोशल जस्टिस में या सोशल क्या बोलते हैं, सोशल सिक्योरिटी हम जिस तरीके से देखते हैं वहाँ पे हमें एनवायरमेंटल सिक्योरिटी भी देखनी पड़ेगी। तो ये तीन चीजों के साथ मैं क्लोज करना चाहती हूँ, मेरा प्रेजेंटेशन भी एंड होता है यहाँ पे। ओके थैंक यू। बहुत ही धन्यवाद, थैंक यू। और आप एक क्लाइमेट जस्टिस और भारत का जो पर्सपेक्टिव है बहुत ही अच्छी की तरीके से हम लोगों के सामने रखा है। तो हम लोग और वेबिनार को आगे बढ़ाएंगे, समय बहुत ही कम है, लेकिन दो तीन इम्पोर्टेंट जो स्पीकर अभी भी बाकी है। मैं डॉक्टर सुगतो हजरा को अनुरोध करूंगा, सुगतो हजरा जो प्रोफेसर एंड फॉर्मर डायरेक्टर स्कूल ऑफ ओशनोग्राफिक का जादवपुर यूनिवर्सिटी। हम अब सब भारतवासी को मालूम है, कुछ दिन पहले भारत में बंगाल में एक बड़ा तूफान आया था, एक साइक्लोन आया था जोश, जो सुंदरबन और कोस्टल बंगाल और उड़ीसा को बहुत ही डिस्ट्रॉय किया है। तो सुंदरबन और मैं डॉक्टर सुगतो हजरा जी को अनुरोध करूंगा एक ब्रीफ जो हम लोगों के सामने अगर रखे, ये क्लाइमेट का जो चेंज है और यहाँ पर बार बार आज उठा है जंगल पहाड़ और उसके साथ समुंदर जो किनारे जो क्लाइमेट चेंज हो है उसका जो प्रभाव हो रहा है उसके बारे में बार बार आज उठा है। तो आपका वो एक्सपर्टाइजेशन है, मैं चाहूँगा आप आज का पर्सपेक्टिव में आप कैसे इस चीज़ को देख रहे हैं हमारे सामने रखिए, लेकिन समय सेल बहुत ही कम है, आप जितना भी सोचा हो सके। मैंने अरे तपस भाई हम लोग आज हमारा कोई मीटिंग नहीं है इसके बाद। अच्छा तो गुड न्यूज हो गया, तो ठीक है सर डॉक्टर हाजरा इसको आप रखिए अपना बात। सुंदरबन देखते हुए जो बंगाल का साथी आज आपको सुन भी रहा है हम लोगों का बहुत सारे, और पूरा देश से ही आज लोग यहाँ पर उपस्थित है और ये फेसबुक लाइव में भी जा रहे है। तो ये क्लाइमेट जो चेंज है उसके साथ समुद्र और सुंदरबन के साथ कैसे जुड़ रहा है और क्या नेक्स्ट जो आने वाला दिन में हम लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है उनके बारे में आपका क्या सोच है, आप रखिए सर प्लीज। थैंक यू तपस। आई मीन आई डोंट नो व्हेदर माय अंडरस्टैंडिंग फिट्स विद दिस डिस्कशन दैट यू आर हैविंग टुगेदर, बट हाउएवर वी आर रिपोर्टिंग फ्रॉम एन एरिया सुंदरबंस दैट तपस हैज जस्ट टोल्ड दैट इज डिवास्टेटेड बाय cyclone Yas, not by the cyclone but definitely by the surge. 2 to 6 meter of high water entered the villages and we had to evacuate 1.5 million people. They are yet to go back, and the major problem is there's a land water inundation in their agricultural land and they don't have water to drink. And secondly, last year we faced a very strong cyclone Amphan. And previous years, 2019, we faced the cyclone Bulbul. So all this together, it appears that the sea is warming up. Not only the sea level is rising, the high intensity events are actually making the life and livelihood of the people in the Delta absolutely unsustainable. And like the migrants you are talking about, these are the climate migrants that we are seeing that is being, I mean, a large group of people are developing as a climate migrant who had something, who lost that. And there's no policy in India to recognize internal migrants and compensate them for that, so resettle them. So this is a big dark area, gray area that you have to think about as you are some of your planners and like that. But I must say that in the time of crisis like COVID or something, if we go on mixing things like
if I decide that I will not use plastic. So I cannot use a mask. So there are areas that we have to distinguish and plan, because this is a big battle that climate change and the fight of the developing nations, fight of the elites with the people who are making the art much more intolerable with the motive of profit. So I think we should not confuse issues, but actually try to pinpoint, as Dr. Dubey was suggesting, that there are areas of climate injustice, there are areas of serious concern about the most vulnerable section of the society, the women, the children, the Adivasis. Even nobody knows about the Adivasis of Sundarban, who were brought by the colonial British people, kill the tigers and clear the forest and make the delta habitable and cultivable. What happened to them? There is no listing of how many tribal groups or languages are still there. So I think that our main focus now should be the people's entire need in this time of COVID, in the time of climate change. And the today's slogan is ecosystem regeneration. And this cannot be done, obviously, by the business group who want to utilize this natural capital and transfer it to the finance capital for their own profit. So ecosystem regeneration movement, the slogan of today's Environment Day, should be taken up by the people's movement, by common people. And again, we should not confuse issues with climate change. If we take a place that will not give birth to the children in this big bad world, so finally there will be a lot of children who will not have intelligent mothers. So I think there are issues all over the world. The point is, if we have to make this art more livable and more more justice should be delivered to the people who deserve it, then we must prune. Again, I'm talking, if I don't drink a pouch of water supplied to me when I'm submerged in at the Koramar Island from plastic pouch supplied by the government, then I die of thirst. So let us, again, I'm asking to you, let us focus the movement of equity and equality in this time of climate change, in the regeneration of ecosystem, in a much more focused way, so that it is accepted by the people and can be participated by people all over the country. Thank you very much for giving me time. We may not agree in all the aspects, but we agree in our major concern that it is probably, after the nuclear threat of nuclear holocaust, the biggest threat to the human species is being felt nowadays from the rapidly changing climate, the rising ocean, the rising temperature, and so on. So we have to fight it together. Thank you. Thank you, sir. Yes, such a problem हम लोग भी फेस कर रहे हैं कि रिलीफ क्या लेके जाएंगे सुंदरबन में, प्लास्टिक बोतल और प्लास्टिक पाउच, ये एक लड़ाई भी है. मूवमेंट का फोकस कहाँ होगा ये चर्चा, और हर रोज हम लोगों का तर्क चल रहा है हमारी इनर ग्रुप में भी, तो आप वो भी सामने रखे हैं. हम लोग आगे बढ़ाएंगे आज का वेबिनार. सुप्रतिम कर्मकार जो रिवा साइंटिस्ट है उनको हम लोग सुनेंगे, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा एक दूसरा एस्पेक्ट देखना चाहूंगा, यहाँ पर थोड़ा बात करना चाहूंगा. हम लोग के साथ एक यंग साथी अंकित गोयल जुड़े हैं, जो कन्वीनर है इको सोशलिज्म फ्रंट का भी, और ये क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट जस्टिस के साथ पॉलिटिक्स का क्या संपर्क है, और एक यंग एक्टिविस्ट होते हुए वो पूरा चीज को कैसे देख रहे हैं आज के पर्सपेक्टिव में. मैं अंकित को अनुरोध करूंगा
प्लीज आप अपना बात जो है आपका जो सोच है वो हमारे सामने रखिए प्लीज अंकित गोयल जी थैंक यू तपस जी सो थैंक यू सौरभ जी एंड तपस जी फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस सेशन एंड रिमाइंडिंग अस ठीक है आज एनवायरनमेंट डे एंड एनवायरनमेंट की बात करना भी जरूरी है तपस जी देयर इज अ स्लाइट करेक्शन आई एम नॉट अ एक्टिविस्ट आई एम स्टिल फाइंडिंग माय आइडेंटिटी बट जस्ट आई एम मेकिंग माय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट सो आई एम अ केमिकल इंजीनियर बाय प्रोफेशन एंड आई एम फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक मैनेज प्लास्टिक के बारे में काफी डिस्कस किया तो आई एम वर्किंग इन एन स्टार्टअप हु इज फाइंडिंग द सॉल्यूशन टू कर्ब द प्लास्टिक मैनेज सो काफी सीनियर स्पीकर्स हमारे साथ जुड़े हैं तुषार जी ने बात करी कि इकोसिस्टम क्या होता है एंड हाउ वी शुड स्टोर द इकोसिस्टम मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर हम कुछ ना करें तो इकोसिस्टम अपने आप रिस्टोर हो जाएगा आई थिंक द थिंग टू डू इज की वी हैव टू कर्ब आवर एक्शंस rather than doing anything we have to curb our actions to allow the nature to take its place then shiva ji ne kafi detail mein samjhaya ki kya kaise kaise impact ho raha hai climate change ka and sabse zyada impact poor or vulnerable jo groups hai hamare jo bottom level hierarchy mein unfortunately un pe they are the sentinels jinko impact hoga us cheez ka मानसी जी ने रिमाइंड करवाया कि पर्सनल लेवल पे कमिटमेंट हमें लेना होगा तभी आगे कुछ हम चेंज कर पाएंगे मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे मानसी जी ने बताया कि हमें पर्सनल लेवल पे कुछ कमिटमेंट लेनी होगी बट आई थिंक आइसोलेशन में भी ये काम नहीं हो पाएगा आप प्लीज अपना माइक बंद करेंगे तो पर्सनल आइसोलेशन में काम नहीं हो पाएगा हमें प्लेजेस के साथ साथ एक कम्युनिटी बिल्ड करनी होगी जिसके साथ एक पर्टिकुलर कॉज पर्टिकुलर थॉट हम रख सके ताकि वो कम्युनिटी के साथ साथ बाकी लोग भी उससे चीज से इंस्पायर हो सके और हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं ये थॉट कोई नया नहीं है 1970s में किसी साइंटिस्ट ने पेपर प्रेजेंट किया था जितना मुझे पता है कि क्लाइमेट चेंज नाम की कोई चीज़ होती है एंड जो हम कार्बन एमिशन कर रहे हैं इट इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ दैट क्लाइमेट चेंज तो लोगों को लगा पेपर देख के रिसर्च स्टडी किया साइंटिस्ट ने उन्होंने कहा कि हाँ इस बात में कुछ दम तो है एंड देन फाइनली 1992-1993 हमारे वर्ल्ड लीडर्स ने दे सेट अप अ कॉन्फ्रेंस विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड दैट पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीपल कॉल इट बाय द नेम ऑफ UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन एंड क्लाइमेट चेंज नाउ उसका मेन मकसद ये था कि हम अपने जो एमिशन लेवल्स हैं वो 1990 से पहले के लेवल्स पे लेके आए सो हर साल कॉन्फ्रेंस होती है उसमें दो कॉन्फ्रेंस का मेजर रोल आता है एक होता है क्योटो प्रोटोकॉल का जो 1997 में हुआ था और एक होता है पेरिस एग्रीमेंट का जो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2015 में हुआ था तो क्योटो प्रोटोकॉल ने एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था कार्बन क्रेडिट्स का कार्बन क्रेडिट्स कहते थे कि हर एक कंट्री को हर एक कंपनी को एक पर्टिकुलर amount of pollution, particular amount of carbon they can release into the atmosphere. Now when I talk about carbon, it's not carbon only, it's like carbon dioxide, methane gas, jisko hum terms, scientific terms, carbon ke potential ke hisab se nikal ke batate hain kitna pollution wo karta hai. So, usme ye tha ki rich countries ki responsibility hogi to curb the emissions and the poor countries, they are allowed to develop and wo emission kar sakte hain, unke upar koi limit nahi thi. चाइना भी उस बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम चाइना भी इज ऑल्सो डेवलपिंग इकोनॉमी एंड तो वो भी इसका पार्ट रहा तो वो भी उस कैटेगरी में आया कि उसको भी लिमिट में नहीं रखा जाएगा वो जितना मर्जी एमिशन कर सकता है तो ये होता रहा बट उसमें यूएस ने पार्टिसिपेट नहीं किया कनाडा भी बाद में उसमें से निकल गया था उस कमिटमेंट में से कुछ यूरोपियन नेशंस रहे थे देन बट तब भी हमारा देखा जाए तो एमिशन लेवल उसके बाद भी बढ़ी जा रहा है कुछ उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा उसके बाद भी देन हम बात करते हैं 2008 की कोपनहेगन की कोपनहेगन में कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें डिसाइड किया गया कि जो रिच कंट्रीज है जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो एक फंड इनिशिएट करेंगे ग्रीन क्लाइमेट फंड एंड जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो उनको फंड देंगे ताकि वो अपनी टेक्नोलॉजी और जो उनका इकोनॉमी है वो ग्रीन साइड पे लेके आ पाए व्हेन आई टॉक अबाउट ग्रीन साइड आई मीन्स कि लेस एमिशन टेक्नोलॉजीज से वो अपनी कंट्री की डेवलप कर सके सो वो भी रहा उसके बाद
this commitment was reaffirmed in 2015 in Paris Agreement. Ki, haan, okay, the countries will create a fund and distribute to this developing country by 2020. Or later on, when Trump came into administration, so they backed out of that agreement. So, but abhi tak kuch fund ka ek rupya bhi kisi developing country ke paas nahi aaya hai. And maine kuch articles padhe the, usme ye tha ki jo fund hai, even if a country has to get that fund, usme kaafi limitation rakhi jati hai. Like they have to make some changes in the economy. Some unko kuch manna padta hai unki commitments wagera. Jaise hum World Trade Organization ki baat karte hain. So a country has to open its door for the foreign players to enter in. काफी सारे कमिटमेंट्स होती हैं, सो मे बी अ कंट्री इज नॉट विलिंग टू टेक दैट फंड. सो काफी सारे इश्यूज है, रोड ब्लॉक्स है, बिकॉज कहीं ना कहीं जो रिच एंड पावरफुल कंट्रीज है वो कहीं ना कहीं बुली करती है. शिवाजी ने एक बहुत अच्छी बात करी थी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है दे आर क्वाइट इन अ आई वुड से इन अ लकी प्लेसेस, इन एनवायरमेंटली गुड प्लेसेस. एंड मोर ओवर उसमें ये है कि जो वहाँ के रिच लोग हैं एंड दे आर रिच सोसाइटीज जो कि फ्लड प्रोन है या फिर अर्थक्वेक प्रोन है, तो क्लाइमेट चेंज का उन पर इम्पैक्ट डायरेक्ट नहीं पड़ता रिच पीपल पे. बाकी देयर इज आल्सो अ पॉइंट कि वहाँ पे भी रेशियलिज्म का हमें ट्रेंड दिखता है कि बिकॉज जो ब्लैक है या हिस्पैनिक पीपल है दे आर लिविंग इन अ एरियाज विच आर नियर टू द कोस्ट और विच आर लाइक गेटोस, तो उनके ऊपर वो फर्स्ट इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज़ का. सेम इन इंडिया, लाइक स्लम्स के बारे में बताया कि फ्लड्स आता है तो स्लम्स डूब जाते हैं हमारे. And poor people are the sentinels. उन पे ही impact पड़ता है इस चीज़ का maximum. उसके बाद हमें realize होता है कि हाँ हम भी इसे impact हो सकते हैं. So came out, let's talk about the solution कि हमने solution क्या find की है climate को change करने का. Paris Agreement में ये पाया गया था कि हमें 2050 तक अभी जो climate degree है वो हमने 1.5 degree centigrade तक रखना है pre-industrial level पे. अभी जो हमारा करंट टेम्परेचर है वो 1.1 डिग्री ज़्यादा हो चुका है कंपेयर टू द प्री इंडस्ट्रियल लेवल विच इज़ लाइक मैं बात करूँ 1800s के अब तक का, तो 1.1 डिग्री ऑलरेडी बढ़ चुका है. एंड 2050 तक अगर हम 1.5 डिग्री रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन करना होगा. नेट जीरो कार्बन एमिशन मतलब जो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है इन टर्म्स, जैसे मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ या कंज्यूम करता हूँ, उसका क्लाइमेट के ऊपर जीरो इम्पैक्ट पड़ना चाहिए. सो हमारे साइंटिस्ट ने कुछ टेक्नोलॉजी इजाद करी है इस चीज़ को कर्व करने के लिए. सो दे टॉक अबाउट कि हम जितना भी कार्बन है एटमॉस्फेयर से वो निकाल लेंगे. नाउ ये सुनने में तो अच्छा लगता है, बट थिंग इज कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आज तक वैलिड वेरीफाई नहीं हो पाई है. सेकेंड थिंग्स कम कि हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स हम लगाएंगे एंड उसका कार्बन एमिशन नहीं होता है. द थिंग इज कि हम फुकुशिमा की बात करें या चेर्नोबिल की बात करें रशिया में, एंड द थिंग इज कि उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा, मतलब इट्स अ वेरी रिस्की थिंग टू डू इट. एंड उसका सीरियसली बताओ तो वी डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट इट कि उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में क्या पड़ सकता है. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट अदर थिंग, हम जैसे एग्जाम्पल है हाइड्रो इलेक्ट्रिक की बात करते हैं, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक की बात करते थे कि दिस इज़ अ गुड सोर्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इसमें कार्बन एमिशन नहीं होता, जबकि कोल पावर प्लांट्स होते हैं उसमें कार्बन एमिशन होता है. बट द थिंग इज कि नाउ रिसेंटली द साइंटिस्ट आर फाइंडिंग कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के साथ भी काफ़ी ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है बिकॉज जो ग्रोथ होती है, बिकॉज दे हैव टू स्टोर अ वाटर इन अ काइंड ऑफ अ डैम थिंग, एंड उसमें जो ग्रोथ होती है नीचे फ्लोरा की, सो उसकी वजह से काफ़ी मीथेन एमिशन होती है. तो थिंग इज साइंटिस्ट डजंट हैव एनी क्लू कि हम कैसे इसको कर्व कर सकते हैं. तो यहाँ पे आई थिंक हमारा रोल आता है, हमारी कमिटमेंट्स, हमारी प्लेजेस आती है कि हमें पर्सनल लेवल पे तो काम करना ही है बट एज अ कम्युनिटी भी काम करना है. द बेस्ट थिंग टू सेव अस फ्रॉम द एनवायरमेंटल कैटास्ट्रॉफी इज कि हम एज अ कम्युनिटी काम करें, हम अपने एरियाज का, अपने विलेजेस का खुद ध्यान रखें. पहले ये ब्रिटिशर्स से आने के पहले विलेजर्स जो विलेजेस होते थे हमारे सेल्फ रिलायंट होते थे, वो खुद देख रेख करते थे कि सफाई का खुद ध्यान रखते थे, अपना जो बाउंड्रीज होती थी कि फ्लड आने वाला है तो खुद मेंटेन करके रखते थे, एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट्स खुद ही अपने एरिया में इम्प्लीमेंट करते थे. बट थिंग इज कि आफ्टर व्हेन ब्रिटिशर्स गए यहाँ से तो हम सेंट्रलाइज हो चुके हैं, हम सब चाहते हैं कि सेंटर सब कुछ करे, गवर्नमेंट सब कुछ करे, बट गवर्नमेंट के पास कुछ क्ल्यू नहीं है और हमने वो अभी देख लिया है कोविड सिचुएशन में. द गवर्नमेंट डजंट हैव एनी क्ल्यू, ओनली वी एज अ कम्युनिटी हैज द बेस्ट चांस टू सेव आवरसेल्व्स.
एंड तो इसी लाइंस पे सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने डॉक्टर संदीप जी ने अभय जैन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, इन्होंने एक इनिशिएटिव चलाया है टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर टुवर्ड्स अ बेटर वर्ल्ड। इसमें यह है कि हम जो थोड़े कॉन्शियस लोग हैं एंड जो अभी सीख रहे हैं कि कैसे एनवायरमेंट को बचाना है वो साथ जुड़े हैं एंड उनके पर्सनल प्रेजेस भी है, बट वी आर एज अ कम्युनिटी हम देख रहे हैं कि हम कैसे अपनी बात को आगे रख सके, गवर्नमेंट के पास रख सके, कॉर्पोरेट्स के पास रख सके, ताकि हम कोलैबोरेटिवली उस एक्शन को अचीव कर सके। तो सत्याग्रह जो सेशन है इसका पर्पस मेन यही है कि हम सभी लोगों को डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से एक प्लेटफॉर्म पे ला सके, एक प्रॉब्लम्स को रियलाइज कर सके एंड एक कॉन्क्रीट सोल्यूशन को आइडेंटिफाई कर सके। सो दिस इज हाउ वी ऑल हैव यूनाइटेड एंड आई थिंक मानसी जी ने भी बात करी, शिवाजी जी ने भी बात करी कि वी won't have kids. I said that's a very brave statement to make. And but I think as a human, we हमारे अंदर ना emotions होते हैं, fatherhood का, motherhood का. So I would say it's a personal choice not to have a kid. But I think it's a good to adopt one because there are already काफी बच्चे हैं, orphans हैं. And COVID time में भी काफी सुनने में आ रहे काफी बच्चे orphans हो गए जिनके parents नहीं रहे. So, मेरा प्लेस तो मानसी यही है कि I will adopt a one and not have my own, but I will adopt a one because emotions I will need to express that. So, and also towards a better climate की अगर वापस आते हो उस बात पे, I'll share the link. तो जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो लोग एक चेंज लाना चाहते हैं, जैसे कुछ चेंज है कि कॉर्पोरेट्स की बात करते हैं, जैसे नेस्ले हो गया, ऑडी हो गया, BMW हो गया, या कोई भी यूरेनियम कंपनी की बात करते हैं या स्टील की बात करते हैं, सो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है उसका एनवायरनमेंट पे उनके प्रोसेस से। सो मेरा आइडिया ये है कि हम लोग एक कैंपेन चलाते हैं जिसमें कोई भी प्रोडक्ट अगर कंपनी बनाती है तो उसको दे हैव टू ऐड कि वो क्या डैमेज कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, लोकल कम्युनिटी को, वाटर रिसोर्सेज को। सो अगर ये चीज़ हर प्रोडक्ट में आने लग गई, जैसे कि वो आता है ना कि एक हर प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है कि इस पर फैट कितना है, शुगर कितना है, एक न्यूट्रिशन चार्ट होता है। सो आई थिंक एक एनवायरमेंटल चार्ट भी होना चाहिए, कितना इंपैक्ट पड़ा सोसाइटी के ऊपर। सो आफ्टर दैट वी कैन बी मोर इन्फॉर्म्ड एंड जब हमने इन्फॉर्म्ड हो गए कि हमारे एक्शन से कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, सो आई थिंक हम पर्सनल लेवल पर वो चॉइस ले सकेंगे एंड एज अ कम्युनिटी कैन वर्क टूवर्ड्स developing an equitable and sustainable society. So that will be all. So Tapas ji, back to you. बहुत धन्यवाद। आप जो बात उठाए हैं, community as a community हम लोगों को एक साथ काम करना है, ये बहुत ही जरूरी एक चीज, और सत्याग्रह का जो सोच है वो भी बहुत ही जरूरी है आज के दिन में, और हमें लग रहा है हर किसी को इस सत्याग्रह से जोड़ना चाहिए और इसके साथ जोड़ के जो मुहिम आप लोग शुरू की है उसको और भी ताकतवर बनाना चाहिए। तो जो साथी हम लोगों को फेसबुक और दूसरे जगह सुन रहे हैं, सबके सामने हम लोगों का ये रिक्वेस्ट रहेंगे, आप सत्याग्रह और ये सोच के साथ जुड़े और इस जो ताकत को है उसको और बढ़ाए, हम लोग और आगे बढ़ेंगे। आज बार बार ये बात उठा है कि इकोसिस्टम के, और इकोसिस्टम से एक चीज नहीं है, बहुत सारे चीज का, बहुत सारे एनवायरमेंट और उसके साथ जुड़े हैं, प्रकृति और उसके साथ जुड़े हैं, उसे बार बार पहाड़, समुंदर और नदी का बात भी उठा है, जंगल के बात उठा है। तो हमारे साथ ये हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि बंगाल से जुड़े हुए रिवर साइंटिस्ट हम लोगों के साथ है। तो रिवर इकोलॉजी और इकोसिस्टम जो है वो कितना प्रदूषण और कितना मृत की कदर पे खड़े है हम सभी को देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने, तो उसको लेके नदी बचाओ जीवन बचाओ आंदोलन भी उठाने की हम लोगों का कोशिश जारी है। तो मैं सुप्रतिम दा को अनुरोध करूंगा, रिवर साइंटिस्ट सुप्रतिम कर्मकार, वो अपना सोच आज के दिन का पर्सपेक्टिव में हमारे सामने रखिए। सुप्रतिम दा प्लीज। मुझे लग रहा है कि सुप्रतिम दा नेटवर्क प्रॉब्लम है, उसको देख नहीं पा रहा हूँ लिस्ट में, शायद वो है नहीं। ठीक है, हम लोग वेबिनार को आगे बढ़ाते हैं। सौरभ थोड़ा एक बार देखिए सुप्रतिम दा कहाँ है।
उसके पहले सुप्रतिंदा को हम लोग जोड़ने की कोशिश करेंगे। अजुंता सरकार जो जुड़े हैं, ये कृष्णेंदु काफी समय से कुछ बोलना चाह रहे हैं। कृष्णेंदु को मौका दे दीजिए और अभिषेक रॉय अगर कुछ बोलना चाहे तो उनको। अच्छा, अभी डॉक्टर रुबना सरवत की ज्वाइन किए हैं? नहीं रुबना नहीं, लेकिन सुप्रतिम आ गए। सुप्रतिम आ गए, हाँ। सुप्रतिम दा तो हम लोग पहले सुप्रतिम को अजंता दी थोड़ा सुप्रतिम ज्वाइन किए हैं, सुप्रतिम को थोड़ा सुन ले हम लोग, उसके बाद आपको सुनेंगे और उसके बाद कृष्णेंदु को भी हम लोग सुनेंगे। नहीं, कृष्णेंदु मेरे ख्याल से कुछ कोई छोटी सी बात कहना चाहते हैं, उनको पहले सुन ले। एक्चुअली मुझे नेक्स्ट मीटिंग के लिए बार बार कॉल आ रही है, इसीलिए आई हैव ऑलरेडी लेट राइट नाउ। सॉरी सॉरी, आप पहले बोलिए, आप पहले। हाँ, मैं एक दो चीज ही बोलना चाहूंगा, एक दो मिनट ओनली, क्योंकि आई हैव नो इनफ टाइम राइट नाउ। एक्चुअली वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, टुडे इज वी आर सेलिब्रेटिंग एनवायरमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। Environment, Manisha ji already told the environment is not now, not happy today. This is a very truth because of pandemic situation. But if you look, if you understand, then you will see that if the environment is good, then you conclude the river's health is good. So what is the river health? The river health in terms of river water quality, river health in terms of river basin management, river health in terms of catchment status, river health in terms of biological diversity, etc. Today the river health of river Ganga is Bhagirathi Hooghly. Say that some report is there. हमने कुछ एकदम June 1st में कुछ water quality assessment किए थे हम लोग officially. तो हमने देखा नवोद्वीप में अभी वाटर क्वालिटी बीओडी लेवल इज 6.42 एंड डिसॉल्व ऑक्सीजन इज 3.3 नियर अबाउट एंड कोलीफॉर्म बैक्टीरिया इज वेरी हाई। सो अभी लॉकडाउन के इस टाइम में भी ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। और हम लोग नहीं समझेंगे तो हमारा नदी नहीं रहेगा तो हमारा पर्यावरण कैसे बचेगा, ये लोग उसको हमको समझना। तो इस विषय में हम लोग और कोई आई विल टॉक अबाउट नेक्स्ट टाइम। एक्चुअली right now I want to leave, so thank you very much for this opportunity. Thank you Suprutim Karmakar sir, aap jo ganga ke samasya uske samne hum logo ke samne uthaye aur coliform bacteria jisko leke hum log baat karte hain abhi bhi kyu itna kharab hoga, ye baat sach hai। लॉकडाउन में इंडस्ट्री बंद है, इकोनॉमी बंद है, जो कुछ दिन पहले भी ये खबर आए, करोड़ों लोग जो अंडर पॉवर्टी लाइन के नीचे चला जा रहा है इस समय, जो मिडिल कास्ट है वो लोअर मिडिल कास्ट को अंडर पॉवर्टी लाइन के नीचे जा रहा है, ये समय भी पर्यावरण प्रदूषण के जो समस्या है उससे झेल रहे हैं। तो इसको लेके जरूर हम लोगों को ये चर्चा को आगे लेके जाना है। हम लोग कृष्णेंदु शायद ज्वाइन किए हैं, कृष्णेंदु
जी ये आप कुछ कहना चाहते थे तो मैं अनुरोध करूंगा, कृष्णेंदु जी आप अपना बात को रखिए, उसके बाद हम लोग अजंता दी को सुनेंगे, फिर और कोई अगर कहे कुछ करना चाहते थे। Can I make a point? This is Abhishek speaking. हम सुनेंगे, कृष्णेंदु जी को पहले सुन ले उसके बाद आपको सुन। हाँ कृष्णेंदु बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जय हिंद। तो आज का जो टॉपिक है जो एनवायरमेंट और जिसका टॉपिक है नदी बचाओ जीवन बचाओ, तो सब जो 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 वक्ता है ये अभी बोल रहे हैं तो सबको सलाम देने के बाद हम ये बात बोलेंगे। देखिए ऐसा हो रहा है क्या जो आज हिंदुस्तान में पानी का जो संकट चल रहा है और फॉरेस्ट का जो संकट चल रहा है, तो ऐसा हम लोग सिर्फ प्लास्टिक कैंसिल करके और थोड़ा कोई जाके मीटिंग करके ये प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर सकता, क्योंकि इस जो प्रॉब्लम है जो फॉरेस्ट प्रॉब्लम और जो पानी का प्रॉब्लम है ये सरकार और हम लोग जैसे आम आदमी सब लोग को सचेतन होना चाहिए। तो इसे क्या है जो हम लोग का जो पानी का जो व्यवस्था है राजस्थान गुजरात इस पे गैलन गैलन पानी कोको कोला पेप्सी जैसे ऐसा कंपनी है जो ऐसा अनयूजलेस प्रोडक्ट बनाते हैं इस इतना पानी खर्च करके, लेकिन डेली हेलो साउंड नहीं आ रहा है। हेलो कृष्णेंदु जी शायद नेटवर्क की वजह से बाहर चले गए। अभिषेक रॉय आप कुछ कहना चाह रहे थे, अभिषेक जी। I just want to make a very small point that you know it's quite a privilege to listen to in such an august gathering and especially in such a wonderful day when we are celebrating World Environment. I just want to make one point. We discussed a lot on rivers and all, but what I want to say is you know that getting urbanized, you know, like even small towns, villages, semi villages, semi towns and all, so these are all we have seen the NCR zone in Delhi, we can see the same in almost in all the metropolitans. So I think that actually is doing a lot of damage to the environment. First of all, you know, there's a lot of social problem happening. You know, those people of the land, they are being sometimes driven out, and then it's being people from the urban areas, and people are coming and building their colonies and all. So I think that is also which actually never discussed. I think when I first joined, and I think there was one lady, she was discussing on this, that sometimes when it comes to the environment, that even people who are into the environment activism or people in the policies, they don't discuss things which probably they know that the government will never agree or it might annoy the government. But I think the massive urbanization, the scary urbanization that happens from east to west, north to south, when I traveled, before COVID, when I used to extensively travel to my country, I found that extremely scary. It's a kind of, we are trying to build a kind of a homogeneous world in terms of society, in terms of environment, and a lot of fashionable things are happening in terms of celebration, but then we are not giving any respect to the land, to the air, to the water, and also to the people who are living there. So I think if we even be more brave and courageous enough to kind of initiate those discussions, I do not know whether I really made sense, but I think I think urbanization, a massive extensive urbanization in the name of development is a huge big problem for the environment. Thank you. We are also dominating the cultural, social, economic lives of the people, because you know we are trying to kind of make one identity, kind of a social urbanized identity, and putting everyone into that pocket. Okay, so there is no choice, you know. So I think it's a very complicated affair, but we need to be courageous enough to initiate discussion on this. Thank you,
एकदम अभिषेक जी आप बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पॉइंट उठाए हैं। रोज हम लोग इसको भी फेस कर रहे हैं कि जे हर रोज जो अर्बन अर्बनाइज हो रहा है शहर बन रहा है। मैं खुद मेरा एक सेकंड के लिए मेरा इमोशन शेयर कर रहा हूँ। मैं जहाँ पर बड़ा हुआ हूँ कलकत्ता से एकदम पास बेहाला, यहाँ पर पहले सैकड़ों पौंड होते थे, पुखर होते थे, पेड़ होते थे, उससे हम लोग खेलते हुए बड़े हुए। तो आज जब खड़े घर से निकलता हूँ तो यहाँ एक 22 माला, तो दूसरे तरफ 10 माला 12 माला घर के हमारे सामने खड़े हैं। तो ये एक सचमुच एक लड़ाई है, एक समस्या है, पूरा पृथ्वी इससे जूझ रहा है। Now, even I think the same thing happened because I grew up in two cities, in Kolkata and Pune, and exactly the same thing happened in my neighborhood. I can see the, you know, the demolition of, you know, in the name of, you know, like development, what we say. The same thing happened, and those areas become totally unrecognizable, and I find it's a big issue that is happening, you know, just in the name of accommodating people into the city life, we're just doing any damage to the city. To the city, we're doing damage to the cities, we're doing damage to villages, towns. There is no, you know, like 20 years before when you move, you could identify this is, you know, the some identity to that particular place. And that's totally lost. थैंक यू अभिषेक जी, हम लोग और आगे जाएंगे आज का बात करेंगे, जुड़े भी रहेंगे आपके साथ, बात होते रहेंगे और इसको लेके हम लोग आने वाले पीढ़ी को कैसे हमारी पृथ्वी को देंगे इसमें हम लोग चर्चा करते रहेंगे। मैं एकदम वेबिनार की एकदम आखिरी वक्त के पास आ गया हूँ। मैं अजंता सरकार जी, अजंता दीदी को अनुरोध करूंगा कि आपको हम लोग अभी तक अजंता जी है क्या? तो आपका जो सोच है आज के दिन के पर्सपेक्टिव में आप कैसे सोच रहे हैं वो हम लोगों के सामने रखिए, उसके बाद हम लोग थोड़ा संदीप पांडे जी को सुनेंगे, फिर उसके बाद आज का मीटिंग जो है हम लोग खत्म करेंगे। ठीक दीदी, थैंक यू फॉर गिविंग मी चांस टू स्पीक इन दिस सेमिनार। कैन यू हियर मी? Today is the Environment Day, World Environment Day, and you are celebrating this Environment Day because we are reeling under COVID situation all over India, and we are having this lockdown in our state, and we are all under home arrest actually, you can see. And you see that we now realize very much that what is environment. Environment gives us everything to support our life, but we destroy our environment, forests, and you see that the carbon that is the carbon infusion is growing, and the pollution level is growing largely day by day. And you see, म्यूट कीजिए मिस्टर नायज, म्यूट कीजिए दीदी, आप बोलिए प्लीज। Actually, we don't get the pure water and pure air, and in this COVID situation, we are freezing the trees, which are giving us this the pure oxygen from very day of our birth. And this oxygen is very essential now COVID situation. And you see that if you want to buy this oxygen from outside, that is also not available. So we are in the very very war situation, and this is a biological war, and we are facing it. And in this Environment Day, we appeal all of us, those who are hearing and those who are outside, there's the great climate activist Greta Thunberg in 2018. She is a very small little girl, and she warned climate change, and she is a climate activist, and it's all over the world.
hear her voice, and I also agree with her that climate change is very, 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 very harmful to us. And we have been seeing that there are so many calamities here, and just now we are facing these years. And you see that government, if government is here and government is not taking taking the proper action and proper plan for this, and that is that I think that we have lost our job, the future of our child, the future of our coming generation, you see that at a stake. And we are now in this COVID situation. We do not know when the situation would be end. And I appeal to all of us that we must protect our environment. Otherwise, we can't live healthy, and otherwise we can't support our life and you see livelihood. So this is my speech. Thank you for giving us chance. Thank you all. Thank you, Didi. हम लोग जुड़े रहेंगे और एक साथ काम करेंगे. ये जो लड़ाई है वो तो एक बार एक से जुड़ के नहीं होगा, सबको मिलके लड़ाई है, लड़ाई लड़ने होगा. तो हम लोग आगे जाएंगे. अभिषेक जी, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? आप हाथ उठाए देख रहा हूँ. अच्छा, नो 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 नो, दैट वाज मच बिफोर. नो 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 नो, ओके ओके. तो संदीप जी, मैं अनुरोध करूंगा, अभी एकदम हम लोग वेबिनार की शेष भाग में आए हैं, आपका पर्सपेक्टिव और यहाँ पर आज जो मीटिंग हुए उस चर्चा को आप कैसे देख रहे हैं, उसको रखते हुए आज का मीटिंग हम लोग आपका जो व्यूज है वो सुनना चाहेंगे. जी नहीं, इसमें मुझे तो सबसे ज्यादा प्रेरणा मिली है ये जो लड़की है स्वीडन वाली, ग्रेटा थुनबर्ग, जिस तरह से उसने एक उसको जन आंदोलन बना दिया है. और ऐसा सुनते हैं कि यूरोप में अब कई लोग जो पहले हवाई जहाज से चलते थे अब वो ट्रेन की यात्रा करने लगे हैं और इस तरह की बातें, जिससे कि वहाँ कुछ. और यूरोप तो आपको मालूम है कि उसने तय किया है कि 2050 तक वो एक लो कार्बन सोसाइटी होगा. तो उसी से प्रेरणा लेके हमने अंकित और अभय वगैरह को लेके ये शुरू किया था, जो काम आज मानसी कर रही थी कि हम पर्सनल लाइफ में क्या कमिटमेंट कर सकते हैं. तो जैसे हमारे गुरु जो हैं वो इंडिया के अंदर एयर जर्नी नहीं करते हैं, हवाई जहाज से नहीं जाते हैं कहीं भी, इंडिया के अंदर वो ट्रेन से ही जाते हैं. कहीं विदेश जाना हो तो वो हवाई जहाज ले लेते हैं. तो इस तरह से हमें लगता है ये वाला कैंपेन हम लोगों को लोकप्रिय बनाना चाहिए कि लोग अपनी अपनी जिंदगी में क्या कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को प्रभावित करने के लिए. इतना ही मुझे कहना, धन्यवाद. धन्यवाद तपस भाई. हाँ धन्यवाद. मेरा एक बात याद आ रहा है कि हमारी सबका मार्गदर्शक जो मार्ग जिनके पास से हम लोगों को मिलता है, गांधी जी, वो कहे थे कि माई लाइफ इज माई मैसेज. तो ये शायद आज का मीटिंग का यही लास्ट रिजोल्यूशन हो सकता है. एक जो बड़े बड़े इशू है, बड़े बड़े शहर में जो बात है उसको, उसका जो चर्चा है उसको तो हम लोग करते रहेंगे, और उसके साथ अब मेरा लाइफ में मैं कुछ क्या परिवर्तन ला सकूंगा वो चर्चा भी हम लोगों को करना है. अजंता दी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सौरभ चक्रवर्ती है, उसको कुछ बोलना नहीं है क्या? सौरभ चक्रवर्ती, हाँ बोल रहे हैं अभी. टाइम नहीं, नहीं है, है बोले. नहीं नहीं, अब बोलेंगे सौरभ दा, धन्यवाद ज्ञापन करेंगे. बहुत उनको बुला रहा था तो मेरा जो बात है वो खत्म करके मैं उनको बुला रहा था. तो ये हम लोगों का जो मैसेज है वे बात कहते हुए मैं सौरभ दा, और मैं एक धन्यवाद भी सौरभ दा को देना चाहूंगा जो आज का वेबिनार है. सौरभ दा बहुत ही इसमें परिश्रम किए, सबके साथ जुड़ के, सबके साथ बात करते हुए, और मैं तो एकदम लास्ट मोमेंट से जुड़ा हूँ और हर काम सौरभ दा खुद ही किए हैं. तो मैं अपने तरफ से, नदी बचाओ जीवन बचाओ की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा सौरभ दा को
अशेष धन्यवाद सौरभ दा। मैं बांग्ला में भी कहे कि इसलिए कि मेरा जो सोच है, मेरा जो सपना है, सब बांग्ला में ही होता है, इसीलिए सौरभ दा को आखिर में अशेष धन्यवाद और एक बार कहना चाहूंगा, और एक बार बोलते चाहिए आपके असंख्य धन्यवाद। तो मैं अभी सौरभ दा को कहूंगा कि सबको धन्यवाद ज्ञापन करके आज का जो मीटिंग है उसको खत्म घोषणा कीजिए। सौरभ दा प्लीज। সৌরভ দা শুনতে পাচ্ছেন? সৌরভ দা আনমিউট করতে হবে। আচ্ছা সৌরভ দার মনে হচ্ছে নেটওয়ার্ক সমস্যা হচ্ছে। হ্যাঁ লেফট করে গেলেন, একটু এক সেকেন্ড আমরা একটু ওয়েট করে যাই, একটা মিনিট, আবার রিজয়েন নিশ্চয়ই করবে। भारत प्रसाद जी आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी सर, बोलिए जल्दी। राविंदर जी से बात हुई थी हमारी, तो हम आपकी मीटिंग में शामिल होना चाहते थे। तो हमारे बच्चे की फीस जमा नहीं हो पाई है और उसमें हमने राजेंद्र जी से बात की थी, तो वो बैंक का अकाउंट जो है, जो विद्यालय से रिलेटेड हो, विद्यालय का जो अकाउंट खुलता है वो प्रधानाचार्य जी दे ही नहीं रहे, बोलते हम देंगे नहीं किसी हालत, और दो दिन का टाइम बचा है केवल, दो दिन का टाइम केवल बचा है पेपर देने का। अरे वो बात मैं प्रधानाचार्य से करूंगा, वो ठीक है, ये मीटिंग किसी और विषय को लेके हो रही है, कोई बात नहीं, आपकी समस्या मैं करूंगा। हाँ ठीक ठीक, ऑफ करते हैं हम लोग ये मीटिंग यहाँ पे ही खत्म करते हैं। सौरभ दा ज्वाइन कर नहीं पाए, उनका नेटवर्क प्रॉब्लम, वो पहले भी कह चुके हैं कि मेरा नेटवर्क बहुत ही है। तो सबाई के सबको नमस्कार, और आज का अच्छा सौरभ दा ज्वाइन किया है, सौरभ दा ज्वाइन किया है, सौरभ दा आप सुनते पाचिन? सौरभ दा हेलो। अच्छा नहीं, यंत्रणा ठीक है सौरभ दा, और सभी साथी को आज के जो आप लोग कितना समय दिए हैं, बहुत सारे चीज, तो अपना के धन्यवाद ज्ञापन करे शेष करते हैं आज के, हमार कथा शेष। लेकिन जो बात है कि सब तो चला गया शायद, लेफ्ट हो गए, तो ठीक है, गुड इवनिंग। लेकिन बात यह है कि बहुत कुछ मुद्दा हम लोग अच्छा लगा, लेकिन क्या सुनाई नहीं दे रहा? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ तो बात जो है कि अंकित जी का वो आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा कि ठीक है खुद बच्चा ना हो सके, लेकिन बात ऐसा है कि अगर एडॉप्ट किया जाए तो शायद एक ऑर्फन बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। ये बात भी अच्छा है, मानसी जी भी ने अच्छा अच्छा बात उठाया था, तो ये सब बच्चा बहुत अच्छा बात हुआ है यहाँ पे, अच्छा लगा ये मीटिंग, तो इसीलिए सबको मैं धन्यवाद जरूर देना चाहूंगा, और आगे भी हम ऐसे नदी भाषा जीवन भाषा आंदोलन के साथ जुड़ना चाहेंगे। सिर्फ वो कर रहे हैं इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन उनका है बोल के ये काम सिर्फ उनका है ये नहीं है, ये हमको भी जुड़ना है सोशलिस्ट पार्टी इंडिया की तरफ से। और बात ऐसा है कि आज तापस दा ने ये आइडिया मुझे दिया था कि जैसे एसपीआई का वेस्ट बंगाल ब्रांच पे एक खुद का पेपर होना चाहिए, जो इसीलिए मैं अजंता देवी को और अपूर्व दा को भी बाद में बात करूंगा कि हमारा एसपीआई की तरफ से एक पेपर पब्लिश हो यहाँ पे तो अच्छा रहेगा, और भी हम आगे बता सकते हैं, सबको बता सकते हैं क्या हम करना चाहते हैं, क्या हम करेंगे इसी बात को। तो आइडिया अच्छा है, नदी बचाओ जीवन बचाओ के साथ हम जुड़ेंगे, जैसे उन्होंने उनका लीडरशिप पे हम जुड़ना चाहते हैं उनके साथ, यही उनको बताना चाहता हूँ हम, बस मेरे लिए काफी है, बहुत थैंक यू। धन्यवाद। नहीं नहीं ठीक है, आप लोग जो है इनके साथ जुड़िए, तपस भाई के साथ, और तपस भाई को भी राजनीति में लाइए,
अगला अगला इलेक्शन इनको लड़ाया जाए. ये जो आप पत्रिका का बात बोले, इसको आप बिल्कुल शुरू कीजिए. हम लोग यहाँ एक हिंदी में पत्रिका निकालते थे पहले, सच्ची मुच्ची, आजकल बंद हो गया, लेकिन अब उसको रिवाइव कर रहे हैं, उसका बहुत मांग आ रहा है. तो आप लोग भी कीजिए ऐसे ही, है ना? ठीक है, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते, धन्यवाद.